सो गाइज, किरण बुक से आज आपका ये नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इस गाइज 5 मार्क्स का मिनिमम आपका रहेगा ये SSC स्टेनो में। CGL में इसकी रेंज 10 to 20 पहुँच जाएगी गाइज, मेंस के अंदर। इस गाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें फिल करना होगा क्या प्रॉपर रहेगा। आज का जो पहला सेट है वो आपका सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1993 में आया हुआ है। कह रहा है कि द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा, जो फ्लैश थी टॉर्च की उसने डैश किया कोबरा को। तो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है आपका एक्सपोज। एक्सपोज मतलब किसी चीज़ को देखने लायक बनाना। अगला है डिस्प्ले, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं दिखाने के लिए। डिस्क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद, डिस्क्लोज मतलब उसका अपोजिट। तो खुला करना की चीज़ को, जो कुछ छुपा राज थे उनको डिस्क्लोज कर देना। और अगला है रिवील मतलब सामने लाना। क्या होता है गाइस, सामने लाना। सो द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड अ कोबरा, तो उसने कोबरा को जो है सामने लेकर के आया। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, उसने जो है अपने आप को जो है स्टिफ ड्रिंक में डैश कर लिया स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस के सामने। थ्रू, तो गाइस होता है गिरना, थ्रू मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म है थ्रू की, सेकंड फॉर्म है आपकी थ्रो की। अगला है पॉल मतलब उड़ेल देना, सर्व अ ड्रिंक ये भी कह सकते हैं आप, फील्ड मतलब भरना, और सिप मतलब घूट करके पी लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉल, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेनरी, तो गाइस यहाँ पे पेनरी मतलब एक तरह से गरीबी की तरफ, यानी कि उसका डैश था जो उसे आज गरीबी की तरफ धकेल दिया है। तो गाइस हमारी कुछ लापरवाहियाँ, कुछ चीज़ें हमारी जो हमें गरीबी की तरफ धकेल देती हैं गाइस, कुछ लोग जो हैं एक्स्ट्रा खर्चा करना शुरू कर देते हैं अपनी आय से ज़्यादा, तो यहाँ पर उनके साथ में समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं गाइस। यस, तो यहाँ पे इट वॉज हिज डैश, पहला वर्ड है फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस मतलब भड़कीला टाइप कुछ कपड़े वगैरह पहनना। अगला है एरोगेंस, यानी कि घमंडी टाइप। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब खर्चीलापन, तो ये उसका खर्चीलापन था, क्योंकि यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि हिज के बाद नाउन आना है, क्योंकि हिज आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है गाइस, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव जिनके बाद हमेशा नाउन ही आया करता है, तो ये कन्फर्म है कि इसके बाद नाउन आना है, और नाउन आपका है यहाँ पे सी। हालांकि नाउन सभी हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड आपका प्रॉपर रहेगा, क्योंकि खर्चीलेपन की वजह से जो है वो पेनोरी यानी कि गरीबी में डूब गया। यस गाइस, सो बाकी सब वर्ड इसमें कोई फिट नहीं बैठते हैं। अगला वर्ड है आपका एबुलेंस, तो द क्वालिटी ऑफ बींग फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, सो नो बडी एंड ट्रस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। सो गीता को जो है जाना जाता है डैश के लिए, तो कोई भी जो है कोई वर्क जो जैसा जरूरी वर्क होता है उसको नहीं देता है। तो जोकर तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा, लगता है भी वर्कर भी नहीं, शौकर भी नहीं यहाँ पे गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिरकर। शिरकर एक बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, शायद आपने कभी हिंदी में इसका इस्तेमाल किया होगा कई बार। काम चोर बोलते हैं गाइस शिरकर को, इसे आप याद रख लो शिखर धवन से, कि शिखर धवन जो है बहुत काम चोर है। सो लड़कियों सुन लो आप, शिखर धवन इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, काम चोर नहीं है वो, लेकिन सिर्फ याद करने की ट्रिक बताइए आपको, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। द स्टैचू वो सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड एट इन इट इन हॉरर। गाइस यहाँ पे आपका आया है सो, तो सो के बाद कोई हमें एडजेक्टिव चाहिए, ध्यान रखना गाइस। क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई एडजेक्टिव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहला वर्ड जो आपका ग्रोटेस्क्यू, यानी कि एक्सट्रीमली अगली इन अ स्ट्रेंज वे दैट इज ऑफन फ्राइटनिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामना टाइप। अगला आपका एक्सक्यूसाइट, जो भी आपका ये भी एडजेक्टिव ही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत सावधानी पूर्वक इसको बनाया गया हो। नेक्स्ट है आपका ब्यूटिफिक, BEATIFIC, ये भी एक आपका एक एडजेक्टिव ही है, इसका मतलब होता है शोविंग ग्रेट जॉय और पीस। और उससे अगला वर्ड आपका कम्बरसम, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, बहुत बड़ा और भारी। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर पहला ही करेक्ट। यस, तभी तो लोग हॉरर यानी कि डर में बैठे हुए हैं। हालांकि ये वर्ड चारों आपके एडजेक्टिव हैं। देखिए मैंने आपको बताया था फिल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करें,
कि किसके साथ क्या आना है। कई बार हो सकता है कि आपको एडजेक्टिव एक ही दिया हो, बाकी सब नाउन दिए हों, तो यहाँ फ्री फंड के आपको नंबर मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ सभी आपके एडजेक्टिव ही थे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही वॉज कट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया एंड कुड नॉट डैश द चार्ज, और उसको कोई भी चार्ज जो है डैश नहीं किया गया। तो गाइस यहाँ पे रिफ्यूट पहला वर्ड है जो कि एक वर्ब है, वर्ब है आपका टू प्रूव दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अगला वर्ड है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ आपका जो वर्ड है गाइस मना करने के लिए लगता है, पुरानी बातों को नकारने के लिए कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, तथ्य वगैरह के लिए लगता है। तो यहाँ पे गाइस दूसरा वर्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पे रिव्यू मतलब डांटना इस तरह से किसी को, ये भी एक वर्ब है, और रिवोक का भी आपके एक वर्ब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट, रिफ्यूट। ओके गाइस आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। तो शांति ने डिमांड किया है जस्टिस का। तो सम्पटसली पहला वर्ड है यहाँ पे जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। यस ये वर्ड आपका जो है बच्चों एडजेक्टिव है, यानी कि सारे यहाँ पे एडजेक्टिव हैं। कमाल की बात तो ये है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि सभी वर्ड यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सब एडजेक्टिव ही हैं। यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया उसने, जो वर्ड है आपका मेटेड आउट। मेटेड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। मेटेड आउट का मतलब होता है गाइस यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है ये मेटेड आउट, मेटेड आउट मतलब किसी को दंड देना। क्या करना, किसी को दंड देना। तो दंड देने के अर्थ में हमें यहाँ पे डिपेंड करना होगा कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि उसने कहा है अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। शांति ने डैश किया है जस्टिस का। पहला वर्ड स्मसली यानी कि वोरसेसली, अगला वर्ड है वोरसेसली, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है किसी चीज़ में शामिल होना कोई चीज़ खाने वाने की प्रक्रिया के दौरान। और अगला वर्ड है स्पास मोडिकली, स्पास मोडिकली मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर ना हो, जो रोज़ाना ना आ रहा हो, कभी कभार होने वाली। और सबसे अगला वर्ड है वोसीफेरसली, वोसीफेरसली मतलब एक लाउड और कॉन्फिडेंस मैनर में। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उसको सुनेगा समझिएगा फिर आपको समझ में आएगा गाइस यहाँ पे। कह रहा है कि द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश द ऑन द प्रोटेस्टर। गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे ऑन आना है। टीयर गैस मतलब आंसू गैस के गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने डैश पर। अब गाइस यहाँ पे डिपेंड करता है एक वर्ब आपको लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश, अब यहाँ पे गाइस हमें वर्ड जो दिए गए हैं, पहला वर्ड है आपका इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली वे में, उससे अगला वर्ड है इंटेंसिवली विशाल, उससे अगला वर्ड है गाइस आपका इनडिफरेंटली या फिर इनडिस्क्रिमिनेटली जो कि सारे एडवर्ब हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। अगला कह रहा है वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 407 डेटेड ये। तो हम बड़े खुश हुए ये डैश देख करके। एडमिट मतलब स्वीकार करना किसी को, जी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं, एक्नॉलेज यानी कि किसी को बताना कि हमने कुछ रिसीव कर ली है, और रिस्पॉन्ड किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट, एक्नॉलेज। अगला वर्ड है आपका सेंटेंस नंबर 10, कह रहा है कि ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। सभी जॉब जो हैं रिस्पेक्टेबल हैं। अब कैसे कहना चाह रहा है, इरिलेवेंट मतलब अतरसंगत, ई मटेरियल ये तो होने से रहा खैर पदार्थ की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, ई रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पेक्टिव आपका एक इरिस्पेक्टिव के साथ में एक तो खुशी की बात यह है गाइस कि ऑफ आना कंपलसरी है। क्या आना कंपलसरी है, ऑफ आना, और ऑफ उसने दिया भी है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑफ दिया भी गया है तो मैं तो इसका फोर्थ ही आंसर लगाने वाला हूँ, ये ध्यान रखें। 11 to 20 जो है आपका SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम 9/9/2001 में हुआ हुआ है कन्फर्म। कह रहा है कि नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। गाइस बच्चों म्यूज मतलब होता है चिंतन करना, क्या होता है चिंतन करना, लेकिन ये पूरा वर्ड होगा आपका म्यूज ओवर किसी बात पर चिंतन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट। द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब, बच्चों लेम मतलब लंगड़ा जिसको बोल सकते हैं आप, ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। तो बिना किसी मदद के वो चढ़ना चाह रहा है
तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस विदाउट आने से नेगेटिव वाइब में जा रहा है आपका, विदाउट एनी हेल्प आप यहाँ लगाइए, ये तो आपको भी समझने में आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। सम नहीं लगा सकते, मैनी का मतलब नहीं बैठता है, लिटिल का मतलब यहाँ पे नहीं है, लिटिल अनकाउंटेबल की चीज़ों के लिए लगता है, हालांकि हेल्प आपको अनकाउंटेबल ही है, लेकिन यहाँ पे इस वे में आप लिटिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते गाइस। यहाँ पे आपका आएगा विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस गाइस, तो बहुत ईजी सा है पैटर्न, कुछ हार्ड नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब काम यहाँ पर आसान हो जाएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि ईच स्कूल हैज़ इट्स ओवन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम। सभी स्कूल का जो है अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें सभी को जो है फॉलो करना होता है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटेंस की तो हमें कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑप्शन में से पता चली गया होगा इस गाइस। अब यहाँ पे गाइस बट जो है ये विरोधाभास के लिए लगता है कि विरोधाभास का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अगर ये लिखा होता कि फॉलो नहीं करना है तो हम लोग विरोधाभास यहाँ लगा सकते थे, तो फिलहाल बट तो यहाँ नहीं आएगा। और का मतलब होता है तो पहले वाला या दूसरे वाला, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सो का मतलब यहाँ नहीं है गाइस, फिट बैठ रहा है, आपको लगाना होगा एंड यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? एंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 14 सेंटेंस, कह रहा है कि ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। सो गाइस यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब फिट बैठ रही है, आगे दे रखा है विद, तो ये आपका कैचअप विद, पूरा कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब होता है गाइस, कैचअप विद। यस गाइस, कैचअप विद का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ के साथ में तालमेल बिठाना, उसको लेवल में लाना। आपने शायद एक गाना भी सुना होगा अनुष्का शर्मा का, एक कपूर फैमिली से एक्टर है उसके साथ में, अरे याद नहीं उस एक्टर का नाम, रह रखा है तो मेरे संगे, जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो उसमें गाना है आपका, गाने के अंदर बोल हैं कैचअप। यस, कॉलेज की सहेली उसे कैचअप कर लिया, वहाँ पर सुनिएगा गाने की बोल को, इंग्लिश में देखेगा तो समझ में आएगा। तो कैचअप करना, किसी के बराबरी करना है फिर से। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है 15 में, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। गाइस यहाँ पे ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज के साथ में देखते हुए हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब की अगर बात करूँ तो वो हैव नहीं है, कैन कुड नहीं लगा सकते, हमें लगाना होगा हैज़ ही, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रखी है, इसलिए कैन कुड तो वैसे ही नहीं लगा सकते बिकॉज थर्ड फॉर्म आ रखी है। या तो हैव आना था या हैज़ आना था, हैव या हैज़ में तो कोई एक आना था, लेकिन सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। तो सेटलमेंट का जो होप है वो डिपेंड करता है डिस्कशन पर, फाइंडिंग आउटकम ब्रेक थ्रू या रेजोल्यूशन। तो क्या यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लियरली आउटकम, नाउन है जो कि, यानी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स डैश ओवर वे। तो क्या यहाँ पे 17 सेंटेंस में जो कन्फर्म मिशन के साथ में चलेगा आपका, अवेल के साथ में हमें जो कन्फर्म लगाना है वो आपका ऑफ, ये तो कन्फर्म है, अवेल ऑफ। यस, वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ ऑफ, यहाँ पे कन्फर्म है कि पहले में ऑफ आना है, और ऑफ का ऑफ एक में ही है, हालांकि यहाँ दूसरा देख के भी लग रहा है कम्स इन ओवर वे, जो भी हमारे रास्ते में आएंगी, तो यानी कि इसका ऑफ और इन आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगला है इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम से होगा तो इसके बाद वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम वी, ये फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, सिर्फ एक ही है एक्टेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 19 पे क्या कह रहा है, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स डैश द हॉल। सो गाइस यहाँ पे जब थीफ ने एंटर किया हॉल के अंदर, द इनमेट्स, सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस चलेगा कंटिन्यूअस नेक्स्ट पार्ट में, इन द हॉल, सो वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 700 मैन वर्क फॉर 10 ईयर्स टू डैश द बोरबडोर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। कह जहाँ पे 20 सेंटेंस के अंदर बात करें तो उसको फिर से वापस लाना है अपने उसी रूप में, तो क्रिएट
की जरूरत नहीं है यहाँ पे, गिव रिवाइव की जरूरत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा रिस्टोर। एक वर्ब है किस चीज़ को अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस लाना, तो रिस्टोर। ट्वेंटी वन से आगे की बात देखिएगा, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2003 में आपका कंडक्ट हुआ हुआ एग्ज़ाम पेपर है। क्या कह रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। थीफ ने बताया कि किस तरह से उसने जेल से मुक्ति पाई, यानी कि भागा। तो क्या यहाँ पे थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश, तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला हिस्सा आपका सेकंड फॉर्म में बना हुआ है, आप उस सेकंड फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे दूसरा हिस्सा परफेक्ट में बनाएंगे, जो कि है आपका हैड एस्केप, यानी कि सेकंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में है ऑन इन ऑफ अवे, तो गाइस यहाँ पे हेल्ड ऑन, हेल्ड इन, हेल्ड ऑफ या हेल्ड अवे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हेल्ड के साथ में हमेशा आपका आता है ऑन। होल्ड ऑन आपने सुना भी होगा एडियम, होल्ड ऑन टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन समथिंग, किसी पर पकड़ बनाए रखना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होल्ड ऑन, यानी कि फर्स्ट करेक्ट। 23 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम, दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता है तो वो कहाँ से आते हैं, ये बताना आपको गाइज यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको बताया भी अभी कि अगर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट बना हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड कम, इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, हैड कम। 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि देर इज़ ओनली वन मेंबर हु हैज़ नॉट पेड हिज डैश एंड ही हैज़ प्रोमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। केवल एक मेंबर है जिसने अपना डैश नहीं पे किया है। सो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है आपका रेमिटेंस, एक नाउन है, पेमेंट मेड फॉर समथिंग, ऑनोरियम, किस चीज़ को पेमेंट पे करना। अगला वर्ड है ऑनोरियम, सम्मान के लिए, बिल्कुल मतलब कुछ पेमेंट ना मिला जिसमें। सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश, तो वो डैश स्विमर कह सकते हैं था। तो क्या यहाँ पे ही वॉज एन आगाया उसने आपके सामने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सपर्ट, और उसके बाद में आपका धारा के लिए करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 26-35 आपके सामने हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि द टीचर गिव्स मैनी डैश मैनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोयम। सो टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ब्रिंग अबाउट किसी को होश में लाना, ब्रिंग अबाउट मतलब बच्चों किसी को होश में लाना, ब्रिंग इन इंट्रोड्यूस करना किसी को, ब्रिंग फोर्थ किसी को आगे लाना, जन्म देना, ब्रिंग आउट समझाना किसी बात पर दबाव डाल करके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ब्रिंग आउट। अगला वर्ड है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे द मोर, यानी कि अगला भी स्ट्रक्चर आपका दास ही बनेगा, ये ध्यान रखना गाइस। सो द हायर यू बिल योर बिल विल बी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका द प्लस कंपैरेटिव दूसरा भी पार्ट से बनेगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, आपने इसको सुना होगा स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर आपका फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द रिच पर्सन द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर टू सन्स टू अटेन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच। यहाँ पे पहला वर्ड है पेरेंट्स, एंसेस्ट्री, पेडिग्री या प्रोगेनी। तो क्या यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास उनको देखें, पहला वर्ड है हमारे पास में पेरेंट्स, तो यहाँ होने चला बिकॉज पेरेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पहले हो चुका है। अगला वर्ड है एंसेस्ट्री यानी कि वंशज, फैमिली बैकग्राउंड। उससे अगला वर्ड आपका पेडिग्री, फैमिली बैकग्राउंड के लिए लगता है ये भी गाइस। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोगेनी, प्रोगेनी अ पर्सन्स चिल्ड्रन द यंग ऑफ एनिमल्स और एलिमेंट्स प्लांट्स, किसी व्यक्ति का संतान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सी स्टू डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, सी स्टूड इन द क्राउड, तो वो खड़ा था, वो खड़ी थी क्राउड में यानी कि भीड़ में, पहला इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज, तो यहाँ पे जो मैग्निफिसेंट था, शानदार था,
टेम्पल कहा। डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज एट सेंचुरी ओल्ड। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट, क्योंकि पीछे एट आ गया है तो प्लुरल नहीं बनाएंगे इसको आप, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको आ जाएगा फोर्थ करेक्ट। 31 देखिए क्या कह रहा है। देर वर टू स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस डैश सर्व्ड एज अ किचन। दो स्मॉल रूम्स हैं बीच हाउस में जो कि किचन की तरह सर्व करते हैं। द स्मॉलर ऑफ देम। गाइस यहाँ पे बात हो रही है दो की। दो के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है कि सेकंड और फोर्थ आपका नहीं होगा, या तो होगा थर्ड या फिर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे द स्मॉलर ऑफ देम यानी कि इसका आंसर आपको लगा देंगे हम लोग थर्ड करेक्ट। मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में इसको रखेंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस हम लोग मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज शी लीव, वेयर शी लीव, वेयर डिड शी लीव। तो गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि वेयर यहाँ पे एज ए कंजेक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे आप इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, तो कम से कम फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर नहीं हो सकते, या तो सेकेंड होगा या फोर्थ इसका आंसर होगा। इस गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग सेंटेंस को फॉर्मेशन को देखते हुए इसको बनाएंगे वेयर शी लीव्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। यू डैश मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर सीट। तो तुम अपने आप को जो है मतलब पागल मतलब कहना चाह रहा है। सो यू मस्ट बी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इफ़ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम कुड हैव। तो गए जहाँ पे पहले वाले में लगाया उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वाले में लगाना चाहिए था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि नहीं है। पहले यहाँ पे हम लोग कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं ना होने की वजह से। 35 कह रहा है वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली डैश। क्या यहाँ पे बेयरली आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव। जहाँ पे पॉजिटिव सॉरी माफ़ी चाहूँगा नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर पर हो रहा है। वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली इजंट एदर, पहला इज एदर इज नाइदर और इजंट नाइदर। गए जहाँ पे इजंट नाइदर तो आप नहीं कर सकते, जो कि नेगेटिव बना देगा इसको, और इजंट एदर भी नहीं कर सकता काम आपका फिर यहाँ पे, या चल भी सकता है क्योंकि इज एदर से काम नहीं चलेगा, तो कन्फर्म है इज एदर भी लगाना गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सेंटेंस का आंसर लगाइए पहला ही करेक्ट। फिर तो आगे देखिए गए यहाँ पे 36 से आगे की बात को। इट विल रेन सून डैश क्वेश्चन टेक बनाना है गाइस इसको आपको। मैंने आपको कहा है कि जैसी हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में होगी उसी से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो बनेगा आपका वॉन्ट इट, क्या बनेगा वॉन्ट इट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। माई बुक इज़ द न्यू वन डैश इज द टोर्न वन। भाई मेरी बुक जो है न्यू वन है और तुम्हारे जो है फटी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे योर्स ओनली थर्ड आंसर। योर्स आपका एक पजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब लगा सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, ये आपका आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल किया। आगे सेंटेंस नंबर 38 कह रहा है कि दे नीडंट वरी, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है पहले से ही, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनना चाहिए। तो नीड दे यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला बढ़े आगे ही इज़ इनडिफरेंट प्रेज एंड ब्लेम। सो गाइस इनडिफरेंट के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन आएगा टू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेसन डैश द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। सो किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेसन डैश, तो गाइस यहाँ पे फोर विद अगेंस्ट या टू इनमें से कोई एक वर्ड लगाना है। गाइस यहाँ पे एक्सेसन आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी आर ऑल वेरी
इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम गाइस, ये सेंटेंस भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन पर ही डिपेंड है। इंडिग्नेंट के साथ में हमेशा हम लोग एट का इस्तेमाल किया करते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के कुछ लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, आप वहाँ जाइए उन लेक्चर्स को देखिए और उनको नोट कीजिएगा, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इफ़ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कंडीशनल पे है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, तो दूसरे पार्ट में आपका आने वाला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ शी वर, अगर वो पक्षी होती तो वह उड़ती, तो यहाँ पे थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 43 देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये तो आपको मैंने बताया अभी। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ पे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर डैश रॉबर्ट ब्राउनिंग द कपल एलोप टू इटली वेयर दे लिव्ड एंड रोड। सो गाइस, यहाँ पे बात हो रही है विवाह की, शादी की, तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। 46 कैनेडा डज नॉट रिक्वायर दैट US सिटीजन ऑप्टेन पासपोर्ट टू एंटर द कंट्री एंड डैश, क्या यहाँ पे 45 में सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया एंड डैश। यहाँ पे एंड से पहले सेंटेंस आपका नेगेटिव है, एंड के बाद वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव ना बने तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पे सेंटेंस में नेदर मैक्सिको डज, ये कहना तो गलत हो जाएगा। अगर आप नेदर से शुरुआत कर भी रहे हैं तो नेदर डज मैक्सिको ऐसा होना चाहिए था। एदर के साथ में आप डज नहीं लगा सकते, ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ आपके रिश्ते बाहर हुए, मैक्सिको डजंट एदर, मैक्सिको डज एदर, तो इन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना गलत होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 46 देखिएगा कह रहा है कि अ पर्सन हु डैश, तो क्या यहाँ पे हु के बाद जो वर्ब है पहले वाले के हिसाब से आएगी, सेंटेंस चल रहा हमारा प्रेजेंट में, तो अ पर्सन के हिसाब से यहाँ पे मेक्स पुट्स, हालांकि सभी वर्ब आपके यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही हैं। अब यहाँ पे काम करता है गाइस ओन की वजह से, आगे आपका आया है ओन, और गाइस यहाँ पे ध्यान रखें कि रिलाई के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 47 व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स, जब वह गुजरा तो रामानुजन डैश छोड़ गया 3 नोटबुक अपने पीछे। सो यहाँ पे गाइस सेकंड फॉर्म में बना हुआ पहले से हिस्सा आपका, दूसरा हिस्सा आपका परफेक्ट में बनेगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 48 कह रहा है कि फॉर ऑल हिज डैश ही इज अ डैश, फॉर ऑल हिज डैश, फॉर ऑल गाइस यहाँ पे एक इडियमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है, फॉर ऑल यानी कि डैश के लिए के बावजूद के छोड़कर, तो इन स्पाइट ऑफ फॉर ऑल हिज वेल्थ, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉर ऑल इज वेल्थ, यानी कि इतना धन होने के बावजूद भी ही इज़ अ माइजर, वह कंजूस है। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पे 49 कह रहा है कि इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को ट्रेन किया है टू लव वन अनदर, एक दूसरे प्यार करें, चूँकि ईच अदर आपका आया करता है दो लोगों के लिए और वन अनदर आपका आता है दो से ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पे क्लासरूम में दो बच्चे नहीं होंगे, पहली बात तो यह, दूसरी बात जब तक क्लियर ना करें तब तक आप दो नहीं मान सकते, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी थर्ड करेक्ट। 50 सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखिएगा, मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क, तो गाइस यहाँ पे पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, पुट समथिंग इन समथिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 50 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ आपका 51 क्वेश्चन से आज, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। कह रहा है कि ओल्ड डिसीजंस, यहाँ कोमा लगाया गया एक और फिर आगे भी एक कोमा है, अगर आप देख रहे हो तो। अपने ग्रामर कोर्स के दौरान मैंने आपको कई बार बताया है कि सेंटेंस में
सब्जेक्ट के बाद अगर कोमा हो और फिर कोमा हो तो ये इतना पार्ट आपका सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं रखता है। वर्ब आपकी इसके हिसाब से आया करती है, जैसे कि यहाँ पर रहा, ऑल डिसीजन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब है। अब आप पहले इसको मेरे अंदाज़ में पढ़ने एक बार, ऑल डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन बाय सेंसियस। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को इस तरह पढ़ना है। अब ये जो वर्ड यहाँ पे आना है ये आपका जस्ट शुरू में आना है, क्या आना है, बिल्कुल ही आपका शुरू में आना आपका वर्ड ये वाला। अब गाइस यहाँ पे शुरू में जो वर्ड आएगा यानी कि ओल्ड डिसीजन से पहले ये वर्ड आना है। ओल्ड डिसीजन यहाँ पे सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। ओल्ड डिसीजन सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट की पोजिशन पर आ रहा है। सब्जेक्ट की पोजिशन पर दो ही चीज़ आया करती है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये नाउन ही है। अब एक बात ध्यान रखें गाइज, नाउन से पहले हमेशा आपका एडजेक्टिव आया करता है। क्या करता है गाइज, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव। तो अब आपको यहाँ पर इनमें से एडजेक्टिव ढूंढना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, और वही इसका एक आंसर होगा। यस गाइज, अब चलो चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे पहला वर्ड है एनी हाउ। एनी हाउ मतलब जैसे तैसे करके। फॉर एवर आपका एक एडवर्ब है, हमेशा। सम हाउ भी आपका एक एडवर्ब है, और हाउ एवर ये आपका एक एडजेक्टिव है यानी कि किसी भी तरह से। तो यहाँ पे गाइज एक एडजेक्टिव आपके सामने ये रहा फोर्थ नंबर वाला, और ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। यस, कई बार सेंटेंस के बीच में हम लोग फिल द ब्लैंक देख करके थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गाइज इस बात को मेरी आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ करना, देखिए दिमाग का इस्तेमाल करना आप बच्चों अपने, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि अब बच्चे थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं और टीचर भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो खतरनाक रूल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं टीचर्स, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उनसे पहले दिमाग लगा दिया है। आप ध्यान रखें कोमे से कोमे तक के पार्ट को कभी भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आना था जो कि आपका हाउएवर, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करा। कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। तो गाइस आपको यहाँ बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कुमार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुमार क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और आगे बॉय आ रहा है, ये भी क्लियर कर रहा है कि मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आना है। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो शुरू के तीन ऑप्शन में उसने अ अ अ लगाया है। जब उसने अ लगा दिया है तो आप 17 ईयर में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। तो कम से कम पहला ऑप्शन आपका इससे बाहर होगा। यस, कुमार अ 17 ईयर ओल्ड बॉय स्वैम। अब गए यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को सामने ध्यान रखती हूँ मैं, यहाँ पर आप वर्ब नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ उसकी उम्र बताई जा रही है, तो आप यहाँ पे एज नहीं लगा सकते। ये रेस से बाहर हुआ और दा वाला रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस आपका पहला बार हो चुका है, थर्ड बार हो चुका है, फोर्थ बार हो चुका है, आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सेकंड यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। अब यहाँ पर आप एक ही व्यक्ति के दो गुणों को बता रहे हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव यानी कि वो ब्यूटीफुल भी है डैश ब्रेव भी है। अगर यहाँ पे हम लोगों को किसी व्यक्ति के दो गुणों को शो करना हो तो काम करता है आपका एंड। एंड जो है आपका काम करता है प्लस का, और अगर आप लगाएंगे आप बट तो ये विरोधाभास का काम करेगा जो कि यहाँ नहीं चलेगा। यट भी विरोधाभास का ही काम करेगा, सो यहाँ पर आएगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में चलता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सेकेंड आंसर, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। वो बुद्धिमान भी है और सॉरी सुंदर भी है और बहादुर भी। गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ये आपका फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है फॉर्मूला सारा आपका। जैसे कि पहला फ्रेजल वर्ब आपका गो बाय। गो बाय मतलब समय बिताना समय के साथ साथ। अगला आपका गो ऑन। गो ऑन यानी कि किसी का कंटिन्यू बदलाव साथ जारी रहना। अगला आपका गो डाउन। गो डाउन है अगला आपका। यहाँ पर गो डाउन यानी कि फ्रेजल वर्ब है टू फॉल टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड वगैरह पे गिर जाना, और गो थ्रू मतलब किसी चीज़ को गहराई से पढ़ना। सो गांधी जी गो डाउन इन हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो है ये हमेशा एक ग्रेटेस्ट मैन की तरह रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक।
ऑल द एप्लीकेंट्स डैश, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स उनके डैश और उनके रिजल्ट जो हैं नेक्स्ट वीक अनाउंस होंगे। तो यहाँ पे ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस। गाइस यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि एंड के बाद उसने विल बी का इस्तेमाल किया है, यानी कि बी की फैमिली का इस्तेमाल किया उसने। आप भी एंड से पहले कोई बी की फैमिली का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपका रैंक, जो कि सही नहीं रहेगा, ओनली यहाँ पे लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ये। आर टू रैंक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी की फैमिली नहीं आई है। बी की फैमिली यहाँ पर थर्ड में आई है आपकी, आर टू बी रैंक्ड, जो कि सही प्रोसीजर रहेगा क्योंकि अगले बार सेंटेंस पैसिव में है, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है हमेशा एंड बट और कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम। अगर पीछे सेंटेंस बन रहा है पैसिव में तो इधर भी बनेगा पैसिव में, एक्टिव में बन रहा है तो एक्टिव में ही बनेगा, हालांकि ये प्रोसीजर दोनों तरफ से चलता है आपका। यस गाइस, तो यहाँ पर बाद वाला सेंटेंस बन रहा है हमारा पैसिव में, तो हमने इसको पैसिव बनाने के लिए इसका ऑप्शन लगाया है थर्ड यहाँ पे, यस, जो कि रहेगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 56 to 60, जो कि आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 25/9/2005 में एग्जाम कंडक्ट हुआ हुआ है। कह रहा है कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली। तो क्या यहाँ पे स्पीकर जो है अपने स्पीच को प्रॉपरली स्पेस आउट नहीं कर रहा था, बल्कि एक पॉइंट पर जो है बार बार दबाव डाल रहा था, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे किसी एक बात पर जोर देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस का, किसका इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस का। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस का, क्योंकि ये एक वर्ब भी है, क्या आपकी ये एक वर्ब। अवॉइडिंग मतलब होता है बचना, अवॉइड के साथ फ्रॉम आया करता है। डिवोटिंग मतलब अपना समय उस पर देना, समय लगाना। डिक्रेइंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, उसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड डैश द सिटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजॉय, यहाँ एक वर्ड आपका जो इस्तेमाल हुआ है इंजॉय, इंजॉय के बाद आने वाली वर्ब हमेशा हमारी जीरण फॉर्म में होगी। किस में होगी? जीरण फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे जीरण सिर्फ दिखाई दे रही है आपकी वॉचिंग और सीइंग, लेकिन यहाँ पे जब बात है सन को दार्जिलिंग हिल्स वगैरह हम देखने की, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वॉचिंग का, सीइंग का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यस, तो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर 58 पर। कह रहा है कि अ डैश ऑफ द ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच एमिडिस्ट अ वार्म वेलकम ट्रूप बैंड या गैंग। तो कह यहाँ पे ये सभी ही समूह दल के नाम हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर कौन सा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो उसने पहला कहा ट्रूप TROOP, ये जो ट्रूप उसने इस्तेमाल किया है ये आपका लगता है सोल्जर्स के समूह के लिए। किसके लिए? ट्रूप जो इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये आपका बोलते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, यानी कि सिपाहियों के समूह को। अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर है ट्रूप TROUP, जो इसने इस्तेमाल किया है ये एक्टर एक्ट्रेस सिंगर्स वगैरह का समूह होता है उसके लिए लगता है। उससे अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बैंड, ये म्यूजिशियन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया उसने गैंग, ये ऐसे लोग जो मतलब बुरे समाज के लोग, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो आपका प्रॉपर रहेगा सही वाला वो रहेगा ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड, क्योंकि जैपनीज आर्टिस्ट का समूह है तो वो म्यूजिक सिंगर्स वगैरह सब होंगे उसके अंदर। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 59 पे चलते हैं। कह रहा है कि टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब यहाँ पर ये वर्क करेगा आपका फिक्स प्रपोजिशन से, जैसे कि मुझे भी पता है आपको भी पता होगा रिकॉन्साइल के साथ हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रपोजिशन विद, और कोई यहाँ पे प्रपोजिशन आपका आना नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल अज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो रामप्पा जो है डैश हुआ है अपने टाउन का और उसको जो है आज शाम से जो है चार्ज मिल जाएगा फ्राइडे से। इलेक्ट्स इलेक्टेड इज इलेक्टेड या इज इलेक्टिंग। तो गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में एंड के बाद वाला पार्ट बन रहा है विल में, और आपको याद होगा हम लोग विल को रखते हैं प्रेजेंट में और वुड को रखते हैं हम लोग पास्ट में, तो यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको पिछला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनाना होगा। सो रामप्पा इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द टाउन, उसको चुना गया है मेयर ऑफ द टाउन और वो जो है इसका चार्ज संभाल लेगा फ्राइडे से।
61 टू जो भी आगे होगा यहाँ पे 70 तक कह रहा है कि एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। तो जैसे कि उसने अपने आप को प्रूफ किया इनएफिशिएंट, तो कंपनी ने डैश कर दिया उसको, रिजेक्टेड कर दिया है। देखिए रिजेक्ट किया जाता है किसी के फॉर्म वगैरह को, किसी की एप्लीकेशन फॉर्म को। उससे अगला वर्ड है आपका इजेक्ट। इजेक्ट बोलते हैं बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ को। लाइक आप लोगों ने कभी सीडी डीवीडी चिप ये सब कभी लगाया हो किसी म्यूजिक सिस्टम में, जब आप उसको बाहर निकाल तो इजेक्ट करना उसको होता है। उससे अगला वर्ड है आपका इविक्टेड, AVICTED, यानी कि किसी को लीगल तरह से, कानूनी तरह से, यानी कोई किराएदार वगैरह जो आपका जम के बैठ गया हो, अपना क्योंकि डेरा जमा के बैठ गया हो, निकलने का नाम ना ले रहा हो, उसके लिए लगाते हैं। और एक्सपेल्ड मतलब होता है किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से अलग करना। तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा एक्सपेल्ड ही करेक्ट। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। तो कई लोग जो है प्रभावित होते हैं एडवर्टीजमेंट के डैश से, चकाचौंध से, और फिर उस पर क्लेम भी करते हैं कि अरे ऐसा तो निकला नहीं जैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे कलरफुल, एग्रेसिव, इफिशियंट या वाइग्रस। तो कलरफुल मतलब प्रॉपर है, अग्रेसिव हिंसात्मक, इफिशियंट वाइग्रस यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। द कॉस्ट ऑफ डैश, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है डैश की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है शहर में। तो बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग या लिविंग, तो जहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। तो मीटिंग को जो है डैश कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये सारा प्रोग्राम टिक गया आपका आकर के फ्रेजल वर्ब पे। यस, पहला है पुट इन, टू मेक अ फॉर्मल ऑफर, टू इंट्रोड्यूस किसी चीज़ में, किसी चीज़ को कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कराना। पुट ऑफ मतलब डिले करना, किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना। पुट अवे किसी चीज़ को दूर रखना अपने से, और पुट आउट मतलब आग बुझाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। इट इज़ डैश इफ़ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्ज़ाम दिस मंथ। तो ये डैश है अगर हम लोग एग्ज़ाम करा सकें कोई इस मंथ में। डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल और अनश्योर। तो यहाँ पे इफ को देखते हुए मुझे यहाँ फिलहाल लगाना होगा डाउटफुल। हालांकि यहाँ ज़्यादा बेटर होता कि इफ की जगह अगर वेदर होता तो। यस गाइस, तो यहाँ पे उसने इफ लगाया है लेकिन इफ की जगह सॉरी वेदर की संगत हो गई है। ओहो वेदर इस बच्चों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इफ दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे पहला ही करेक्ट। शी वॉज रिलाइव्ड टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज डैश। तो उसको थोड़ा सा आराम मिला ये बात सुनकर डॉक्टर की, जब डॉक्टर ने उसको कहा कि ये जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट नहीं है, ये तो बहुत डैश है। तो क्या यहाँ पे मैलिग्नेंस बोलते हैं डेंजरस को, हानिकारक को। तो यहाँ पे द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज डैश। तो यहाँ पे ये हानिकारक नहीं है, ये डैश। इसका मतलब आपको मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड यहाँ पे बताना है। क्या बताना है यहाँ पे मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड? पहला वर्ड यहाँ पे एक्सपोज, जो कि नहीं होना चाहिए। बिनाइन होता है आपका हार्मलेस, जो कि खतरनाक ना हो, डिस्कवर्ड नहीं होगा, सीजेबल नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शुक। तो यहाँ पे बच्चे को काफ़ी समय लगा। तो यहाँ पे गाइस रिकवर के साथ आपका आएगा यहाँ पे फ्रॉम, किसी बीमारी से उबरने के लिए हम लोग फ्रॉम का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, आई विश। बच्चों को यहाँ पे विश लगाएंगे तो सेंटेंस को पास्ट में बनाना होगा अगले वाले को, जो कि बनेगा आई एक्सेप्ट, यानी कि उम्मीद करता हूँ। आई एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चिल्ड्रन इन्जॉय डैश द टीवी प्रोग्राम। तो गए यहाँ पे फिर से इन्जॉय आ गया है, और मैं आपको बता दूँ कि इन्जॉय के बाद हमेशा जीरण का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर सेंटेंस में बताया था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉचिंग करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। जस्ट एज इन द फैमिली, एज इन अ फैमिली, इट इज द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, सो इज इट इन लार्जर
इट इज़ इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन. ब्रॉड विल ब्रिंग, ब्रिंग्स या ब्रॉड. तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें प्रॉपर वर्ब की, तो हमें यहाँ पे वर्ब देखने किसके हिसाब से आएगी. जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग कॉरपोरेशन ऑफ इट्स मेंबर दैट हैप्पीनेस. तो गाइस यहाँ पे वर्ब लगानी है हमें दैट. तो यहाँ पर वर्ब आपके आएगी जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग. तो यहाँ पे ये वर्ब लेके चला गया इट इज़. इसे लेके चला गया है इट इज़ द विलिंग कॉपरेशन ऑफ द मेंबर्स दैट. यहाँ पर अ फैमिली के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं आप, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर क्या प्रॉपर वर्ब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का जो फंडा है वो दैट के पहले के हिसाब से लगाऊँ तो प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है. बाकी मैं यहाँ पे ब्रॉड नहीं लगा सकता क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और बॉट नहीं लगा सकता सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है. ये पहला और दूसरा ऑप्शन रेस से बाहर हुआ इसी वजह से क्योंकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में. इसको देखते मैंने दोनों भाने का दे. अब अगला बचता आपका बात विल ब्रिंग या फिर ब्रिंग्स. दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इट इज़ द विलिंग कोऑपरेशन. तो यहाँ पे ये अगर इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग कोऑपरेशन, यहाँ पे विलिंग कोऑपरेशन को लेकर चलें तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब का काम कर नहीं सकता. तो ये मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट. तो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा सेकंड ओनली. ठीक है, किरण बुक से है ये आपकी 71 से. आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ. कह रहा है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी. मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा. यस गाइस, तो यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में. कुड को देख के मुझे थोड़ा आभास हुआ, आपको भी लग गया होगा. तो मुझे यहाँ पर पास्ट की ही कोई वर्ब लगानी होगी. अगर हम चले पहले ऑप्शन पे तो यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए आई एस, जो कि आपके प्रेजेंट में चलती है. दूसरी में इज एम आर साफ दिखाई दे रहा है. फोर्थ में विल आ गया है, वो भी आपका प्रेजेंट में मानता हूँ मैं, पास्ट में इसका वुड होता है. तो इसका जो पास्ट में ऑप्शन बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो है थर्ड ऑप्शन हैड डिपॉजिटेड. इसका ऑप्शन पास्ट में माना जाएगा और इस सेंटेंस को पास्ट में जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट. नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि हाउ मेनी डैश इन मुंबई फॉर 3 ईयर्स व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट. गाइस यहाँ पर सेंटेंस में उसने सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल किया है. सिंस या फोर प्लस टाइम का उसने इस्तेमाल किया है इसमें. तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप लोग हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल क्या करते हैं. तो सेंटेंस जो है आपका लॉन्गर एक्शन दर्शा रहा हो पास्ट में. तो यहाँ पे गाइज हम लोग लगाएंगे हामिद हैड बीन लिविंग. तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट. 73 कह रहा है कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल टाइम, सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही शेड. तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन से खेलना है. उसने आपसे कहा है पहला ऑप्शन शॉर्टली, ब्रीफली, लिटिल ऑफ, ब्रिस्कली. तो यहाँ पे लिटिल ऑफ नाम का तो कोई वर्ड है ही नहीं, कम से कम वो तो बाहर निकाल लिया आप जो जरूरी है. यहाँ पर हमारे पास बसते हैं शॉर्टली, ब्रीफली, ब्रिस्कली. जब किसी बात को आपको संक्षेप में बताना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीफ का. किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रीफ का. तो यहाँ पे आप लोग ब्रीफली यानी कि एडवर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा आंसर. तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74 टू ईयर्स हैव पास्ड सिंस ही डैश डे हेयर. तो क्या यहाँ पे उसने लगाया सिंस, सिंस के पहले वाले पार्ट में यहाँ वर्ब है, इसका मतलब सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है. यस, सिंस आपका प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी,
अगर इसके दोनों तरफ वर्ब हो ऐसे में ये कंजक्शन, और सिर्फ अगर एक तरफ वर्ब हो दूसरी तरफ वर्ब ना हो ऑब्जेक्ट हो तो फिर ये प्रपोजिशन काम कर जाता है। यहाँ ये ऐसे कंजक्शन काम कर रहा है, यानी कि ये कन्फर्म है कि इसके बाद वाले पार्ट में ही वर्ब आनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में ये सिंस जब कंजक्शन काम कर रहा हो, सिंस जब कंजक्शन काम कर रहा हो तो निश्चित है कि इसके पहले वाला सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में जो कि बना हुआ है, और बाद वाला बनेगा पास्ट इनडेफिनिट यानी कि सेकेंड फॉर्म में जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड वाले के पास है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 75 देखिएगा, हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग डैश। तो कहते यहाँ पे बात हो रही ट्विंस की, तो ट्विन यानी कि जुड़वा यानी कि दो, दो लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं ईच अदर का, हालांकि ईच अदर यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी कि ये है थर्ड ऑप्शन में, सॉरी टेलिंग ईच अदर। तो यहाँ पे आपको कम से कम दो ऑप्शन बाहर निकालिए, पहला और दूसरा, अब आपके बचते हैं ऑप्शन इसमें सेम तीसरा और चौथा शामिल। हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग ईच अदर, ये टेलिंग हु इज विच। तो यहाँ पे हु इज विच का ज़्यादा अच्छा यूज रहेगा कि कौन कौन है, उसको ये मुश्किल होती थी बहुत पहचानने में शुरुआत में भी। देखिए एक माँ नहीं पहचान पा रही है तो और तो कोई क्या पहचानेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। यहाँ 76 सेंटेंस जो है आपका, मुझे इससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। उन्होंने कहा दैट नाइट यानी कि उस रात। मैं आपको ऐसे बहुत सारे शब्द बता चुका हूँ जो इशारा करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में हैं या हम लोग पास्ट में हैं। उनमें से ये भी कुछ एक वर्ड है आपका दैट, दैट से क्लियर होता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट बनाएंगे सेंटेंस को, सिंपल पास्ट से हमारा सेंटेंस हो जाएगा यानी कि सेकेंड वाला करेक्ट। बस 77 देखिएगा, कह रहा है कि विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल डैश पुट अप योर हैंड्स प्लीज discussed, being discussed, having discussed, yet discussing. अब गए यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग से काम करना होगा। कह रहा है कि will those of you who have objection to this proposal, अगर आप यहाँ पे खाली being लगाएंगे yes, तो being लगाने से sentence आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ डिस्कस लगाने से यानी कि सॉरी जैसे कि आपने डिस्कस लगाया तो इससे काम नहीं चलेगा, सेंटेंस आपका पार्ट में चला जाएगा जबकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, विल आ रहा है, हैव आ रहा है, तो ये इससे हमारे बाहर हुए। अगर हम डिस्कसिंग लगाएं ओनली तभी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटेंस में आपके आईएनजी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसलिए इससे बाहर निकालिए। अगर हम लोग लगाएं हैविंग डिस्कस तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम लगा नहीं सकते, ये भी हमारा रेस्ट से बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही लगाना होगा जो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा। यस गाइस 78 देखिएगा, सी हैड फ्रिक्वेंट टूथ एक्स सो सी डिसाइडेड टू डैश। उसको जो है फ्रिक्वेंट टूथ एक्स हो रहा है तो उसने डिसाइड कर लिया उसको डैश करने का। तो यहाँ पे रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैव हर टीथ रिमूव्ड। तो गाइस यहाँ पे जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं ऐसी स्थिति में हम लोग कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और कॉजेटिव वर्ब के अंदर हमारी सिर्फ हैव, मेक, लेट और गेट, ये चार ही आया करती हैं। इसलिए सेंटेंस को कॉजेटिव वर्ब से बनाया गया और इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। एट वन टाइम मिस्टर नाइगल डैश दिस सुपरमार्केट। तो यहाँ पर वॉज ओविंग यूज टू ओन हैड ओन या ओन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग वॉज ओविंग नहीं बना सकते, एट वन टाइम किसी समय की बात हो रही है, किसी समय की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को परफेक्ट बना करके सेंटेंस को
क्रेडिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िया आगे सेंटेंस नंबर 80 पर क्या कह रहा है, ही वॉज डैश एक्सेप्ट द ग्रुजिंगली गिवन इन्विटेशन, नॉट इनफ सेंसिबल टू, सेंसिबल इनफ टू, सेंसिबल इनफ नॉट टू, और सेंसिबल इनफ टू नॉट। चलिए गैस आपको पता है यहाँ पे कि इनफ जो है हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि हमारा यूज़ हुआ करता है एडजेक्टिव के ही बाद, पॉजिटिव डिग्री के बाद ही आपका यूज़ हुआ करता है। तो ये तो कंफर्म है हमारा 80 सेंटेंस का ऑप्शन जो है सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक होगा, लेकिन नोट कभी भी टू के बाद नहीं आया करता इसलिए फोर्थ भी रेस से बाहर, तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर ग्रुजिंगली जो कि एक एडवर्ब है आगे भी उसको देखते हुए मुझे इसका ऑप्शन लगाना होगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। 81 देखिएगा कह रहा है कि द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार एंड सी लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। तो गाइस वो नॉक डाउन हुई यानी कुछ ली गई कार के चार मिनट, उसने अपनी डैश खो दी। कॉन्साइंस अंतरात्मा, कॉन्शियस यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ पर, और कॉन्शियस भी नहीं आएगा अलर्ट चौकन्ना होना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ, होश खो देना। दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। तो गाइस यहाँ पे मैच को स्थगित करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑफ हो जाएगा और कुछ नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, मैच को स्थगित करना यानी टालना क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। तो गाइस यहाँ पे कार्ड्स जो है आपका प्लुरल है, प्लुरल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है वो है दोज, इसका आंसर हो जाएगा आपका यही। 10 miles डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। गाइज आपका यहाँ पे 10 miles उसने निश्चित करके फिक्स कर दिया है कि आपको यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। आप इसको हिंदी में भी पुकार कर दे सकते हैं कि 10 मील एक लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियाँ हैं। सोचिए आप 10 मील लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियाँ हैं, तो लंबी दूरी है इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगानी होगी, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 84 देखिएगा, 85 द मैकेनिक डैश द व्हीकल्स सिंस दिस मॉर्निंग। सेंटेंस में आपका आ गया सिंस या फोर प्लस टाइम, तो हम लोग यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला पूरी तरह से करेक्ट, थर्ड सॉरी। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के साथ में और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में हमारा फिक्स प्रपोज चलता है ऑन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर सेकंड ही करेक्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन्ड अप इन ऑल डैश एरियाज, जितने भी हमारे एरियाज थे। तो गाइस सिक्योरिटी जो है सेंसिटिव एरियाज में लगाई जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका सेंसिटिव एरियाज। 88 द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो गाइस ये आपका फिक्स प्रपोजन में जा रहा है सेंटेंस, केटर के साथ में हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रपोजन फोर, यानी कि केटर फोर का मतलब होता है प्रदान करना किसी को, प्रदान करना मतलब मैं हिंदी में पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ उसको पूरी प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश में मुझे को पता है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। 90 सेंटेंस ये आपका कंडीशन सेंटेंस है, इफ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। यस गाइस चलिए फिलहाल की बात शुरू करता हूँ। कह रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। तो गाइस यहाँ पे आगे जो देख रहे हैं आप लोग वो है हिज इनोसेंस, यानी कि कोई पर्सन है, सेटिस्फाइड के बाद आगे कोई पर्सन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो आपका विद। क्या है आपका विद, तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक इंटरेस्ट दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि पर्सनल एंड डैश ग्रोथ, तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की,
किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की। अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सामाजिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही बढ़ेगी। फिजिकल ग्रोथ के लिए आप माने जा रहे हैं, फिनेंशियल तो आपकी बढ़ ही जाएगी, सिंपल सी बात है, जब आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी कि मेरी राय में इसका आंसर आपको होना चाहिए फोर्थ करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलते हैं आगे सेंटेंस नंबर 93 पर। कह रहे कि राम अलोंग विद द मेंबर ऑफ द फैमिली दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स। गाइस मैं आपको एक बार नहीं, ये बात कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में अगर कभी भी उसने कोई सब्जेक्ट लिखा हो और उसके तुरंत बाद कोई कोमा लगा दिया हो तो उस कोमे से लेकर के अगले कोमे तक के सेंटेंस को आप लोग कुछ नहीं मानते, ये बात ध्यान रखें। यही हालात यहाँ पे पैदा हुए, अलोंग विद से कोमा शुरू हुआ लगना और फ्रेंड तक कोमा लगा रहा, तो ये हिस्सा आपके लिए नेगलेक्टेड है। आपको लगाना है राम के हिसाब से ही वर्ब, राम वॉज वॉचिंग टीवी मूवी जो भी है, वर तो वर तो आने से राम के लिए, हैव की जरूरत नहीं यहाँ पर राम के लिए, वॉच की जरूरत नहीं राम के लिए, वॉचेस आना चाहिए था, तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है पहला। द मैनेजर वॉन्टेड टू मीट यू डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस। मैनेजर जो है आपसे मिलना चाहते हैं, डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस, जो चोरी आपके ऑफिस में हुई उसके लिए। तो यहाँ पे द मैनेजर वॉन्टेड टू मीट यू डैश रेफरिंग टू विद रिगार्ड टू विद रेफरेंस टू इन कनेक्शन विद। तो गाइस यहाँ पे ये एक idiom है, इन कनेक्शन विद यानी कि उस कारण से, जिस कारण से कोई घटना घटी है, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 95 में कह रहा है कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट डैश। अब यहाँ पे पुट के बाद में आपको लगाना है विद सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, तो पुट के साथ में यहाँ पे एक आपका वर्ब आया करता है पुट अप विद, पुट अप विद। तो गाइस यहाँ पे पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना, सहना किसी को, तो पुट अप विद आपका एक ही ऑप्शन फिर बैठता है और कोई नहीं बैठता है, यानी कि 95 का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट। 96 से 105 जो कि आपका SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006 में आया हुआ है, क्या कह रहा है सेंटेंस को उसकी सुनिएगा, फिर अपना दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑफ को देखते हुए वर्ड लगाना है, जैसे कि चार्ज के साथ में आपका आया करता है फोर, कंडेम के साथ आपका आया करता है विद, ऐसे एक्यूज के साथ में आपका आया करता है ऑफ। क्या करता है ऑफ, मीनिंग सबके सेम है, कंडेम विद, चार्ज फोर, एक्यूज ऑफ, तीनों का मतलब सेम है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। देखिएगा, वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स डैश ऑफ देम डू यू वांट। तो बात हो रही है टेलीफोन ऑपरेटर्स की, जो कि है आपका नो लिविंग। नो लिविंग के लिए आप लोग हु या होम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। यस गाइस, अब आपके पास सिर्फ एक ही बचता है, वो है विच, तो आपको आंसर लगाना होगा विच ही यहां पर पूरी तरह से करेक्ट। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। आई हैव नो डैश मोटिव, तो गाइस यहाँ पे पोस्टीरियर बाद, अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप लोग छिपा कर रखें और जिसको आप मतलब ना दिखाना चाहें, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अल्टीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो यहाँ पर मेरी राय में आंसर आपका हो जाएगा 98 का थर्ड करेक्ट। 99 में कह रहा है कि डैश पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो डैश पॉलिटिशियन जो हैं ऑलवेज रिस्पेक्टेड किए जाते हैं, तो कॉन्शियस जी नहीं, कौन साइंसियस यानी कि बिल्कुल वो जो दूसरों का ध्यान रखते हों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 100 में दे रहा है कि वी विल हैव टू अटोन डैश ओवर मिसडीड। तो यहाँ पर अटोन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करती है फोर। यस गाइस, तो यहाँ पर 100 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, अटोन फोर, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
101 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई गॉट यूज डैश ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आई गॉट यूज्ड, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वैसे तो यूज के बाद में आपको नॉर्मल लगाना हो तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन अगर यूज्ड से पहले, अगर यूज्ड टू से पहले आपकी या तो बी की फैमिली हो, क्या हो, बी की फैमिली या गेट हो, तब आप इस टू के बाद में जीरेंड का इस्तेमाल क्या करते हैं। जैसे कि बी की फैमिली के अंदर आपका इज या मार वो वर्क कुछ भी आ जाए उनके लिए, तो आप यहाँ पे बी की फैमिली को देखते हुए या फिर गेट को देखते हुए एंजी लगाएंगे, तो यूज टू गेटिंग यहाँ पे होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल करेक्ट यहाँ पे टू ड्राइविंग, थर्ड करेक्ट। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 102 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए 103 पे कूदते हुए क्या कह रहा है, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। कंड्यूसिव के साथ में तो आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू चला करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ डॉग लिव्स इन डैश, कुत्ते जो है बच्चों कहाँ रहते हैं, ये आपको पता है, कुत्ते रहते हैं कैनल में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बरो जो आपका है यहाँ पे BURROW, ये आपका होता है एक तरह से चूहों वगैरह का घर। उससे अगला वर्ड आपका कूप, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी वगैरह जो होती हैं उनके लिए। अस्तबल को अस्तबल ही बोले तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये घोड़ों का घर है। मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड डैश आई मेट यू लास्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी जब से मैं आपसे मिला। तो गाइस यहाँ पर आपका सेंटेंस में जो आंसर है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा सिंस से, किससे कनेक्ट हुआ है हमारा आंसर सिंस से, सिंस के पहले वाला पार्ट बनने वाला है हमारा परफेक्ट में और बाद वाला पार्ट बनेगा हमारा सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर परफेक्ट तो बना हुआ है, बस पर पास्ट भी बना हुआ है, आपको यहाँ पर लगाना होगा कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंस बस, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सो गाइज 106 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ डैश परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे इफ डैश परमिट्स, अब यहाँ पे परमिट्स देगा कौन, यहाँ पर ये डिपेंड करता है क्लाइमेट वेदर, वेदर की स्पेलिंग उसने यहाँ पे दो बार लिखी है, जहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है बच्चों को। देखिए क्लाइमेट जो है बोलते हैं जलवायु को किसी क्षेत्र का बिल्कुल फिक्स पोर्शन, जैसे कि साउथ का अगर आप जाएँ तो थोड़ा सा क्लाइमेट वहाँ की गर्म है, अगर नॉर्थ में चले ऊपर की तरफ तो थोड़ी ठंडी है, जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश सहारनपुर, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा मिलता है, बारिश का भी, ठंड का भी, गर्मी का भी। जैसे कि अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बन रही है वीडियो आपकी और ठंड बढ़िया वाली हो रही है यहाँ पर, उसी हिसाब से ही तो यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। तो क्लाइमेट एक फिक्स होता है किसी भी क्षेत्र का, यहाँ पर ये जो वेदर है ये वेदर कंजक्शन वाला है, ये आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पर थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा वेदर मौसम वाला। कह रहा है कि इफ़ वेदर परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट में कह रहा है कि ही परस्युएसिव टोन्स, हिज परस्युएसिव टोन्स वॉज एबल टू टैकल द बॉय हुम अदर टीचर्स हैड फाउंड डैश। अब यहाँ पे अगले में कहना चाह कह जा रहा है वोकैबुलरी बेस्ड है, परसिपिटेटिक ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट तो यहाँ पे गाइस ऑब्ड्यूरेट मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शन इन एनी वे, यानी कि जिद्दी व्यक्ति कोई कह सकते हैं इसको आप, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड, तो आई ऑलवेज फॉल, अब यहाँ पे गाइस आपको फॉल के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, तो फॉल ओवर, फॉल ओवर मतलब कहीं अचानक से रुक जाना। अगला है आपका फॉल थ्रू, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि कंप्लीट ना हुई हो, फॉल बैक ऑन किसी की मदद करने के लिए जाना, तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 109 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन, तो गैस कैंपर्स मतलब वो जो कैंप लगाने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे द कैंपर डैश देयर टेंट्स, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड ग्राउंडेड इंस्टॉल्ड या पिच्ड, तो गैस यहाँ पे इंस्टॉल्ड तो आने से रहा ये तो कन्फर्म है,
तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, वो है पिच्ड, यानी कि सेट करना टू कैंप, कहीं पे भी कैंप लगा लेना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 110 में कह रहा है कि द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। पार्टी ने डिसाइड किया है टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर रूट जड़ के लिए इस्तेमाल होता है, रूट यानी कि रास्ता, डिस्टेंस तो यहाँ नहीं आएगा बिकॉज डिस्टेंस का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, डिस्टेंस मतलब दूरी जो नहीं आएगा, डायरेक्शन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा रूट, सेकंड करेक्ट। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर, तो मैनेजर को जरूरत है नीड्स टू होल्ड डैश यानी कि कंट्रोल करने की, तो यहाँ पे होल्ड के साथ में ऐसी स्थिति में आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ बैक, होल्ड बैक मतलब कंट्रोल करना, होल्ड ऑन मतलब किसी चीज़ पर अपनी पकड़ बनाए रखना, होल्ड विद मतलब किसी से सहमत होना, होल्ड डाउन किसी चीज़ की लिमिट तय कर देना, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज डैश हर सेल्फ, अब यहाँ पे वेरी प्लीज डैश हर सेल्फ, तो कहें यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है और व्यक्ति के लिए हम लोग लगाया करते हैं विद, तो प्लीज विद हर सेल्फ यानी कि 112 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर, अब यहाँ पे गाइस आपको फिक्स से फिक्स प्रीपोजिशन लगानी होगी जो कि आपका है सिर्फ और सिर्फ फोर, डिजायर फोर, डिजायर फोर यानी कि 113 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम, तो यहाँ पे फार्मर जो है सफर करा क्योंकि मानसून जो है समय पर नहीं आया, डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द ब्राइड सेटल्ड एज वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट, तो ब्राइड जो है यानी कि दुल्हन जो है सेट हो गई है न्यू एनवायरनमेंट में, सो सेटल डाउन ही बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी सेट होने के लिए हम लोग सेटल डाउन का इस्तेमाल करते हैं कि वो सेटल डाउन हो चुका है वहाँ पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो गाइज आज कह रहा है कि आर यू रियली डिजायरियस डैश विजिटिंग जापान, तो गाइज यहाँ पे डिजायरियस जो है आपका वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि जाने की इच्छा रखना कहीं पे, और ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके चलता है अपने साथ में ऑफ, क्या लेके चलता है अपने साथ में ये ऑफ, तो यहाँ पर फिक्स है कि आपका ऑफ ही आना चाहिए सेंटेंस का, आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम में 5 आएंगे कम से कम ऐसे सिस्टनों में, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं। अगर इस बार ऐसे सिस्टनों का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहें ये लोग, तो इस बार चेंज कर सकते हैं, जो मुझे भी लग रहा है चेंज होगा, जहाँ पर PQRS की संख्या 5 बढ़ सकती है, क्लोज टेस्ट और पैसेज जो आपका 35 मार्क्स का रहता था वो इस बार 30 मार्क्स का रख के वो PQRS को 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे गैप फिलर्स वगैरह को भी 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसा भी होगा वो तो आपके सामने होगा, लेकिन मुझे लग रही है उम्मीद कि इस बार पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि वैन इंडियंस फ्रॉम द साउथ मूव नॉर्थ दे फाइंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ऑन, तो गाइस यहाँ पे क्वाइट स्ट्रेंज, क्वाइट सेपरेट, क्वाइट डिफरेंट या क्वाइट डाइवर्जेंट, तो गाइस यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज मतलब अजीबोगरीब, जो कि एडजेक्टिव है आपका, दूसरा है सेपरेट मतलब बिल्कुल अलग अलग होना किसी चीज़ से, ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, डिफरेंट मतलब अलग बिल्कुल, और डाइवर्जेंट मतलब लोगों की मतों से बिल्कुल अलग राय। लेकिन गाइस यहाँ पे आगे फ्रॉम आने की वजह से आपका ज़्यादा ऑप्शन बढ़ गया है डिफरेंट पर, डिफरेंट आपका उन शब्दों में से एक है जिसके साथ हमेशा फ्रॉम चलता ही चलता है, किस गाइस, तो फ्रॉम यहाँ पे फिक्स है आपका डिफरेंट फ्रॉम, इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। आगे बढ़िए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 118 पर, द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान पे बादल छाए हुए थे, वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट,
तो क्या यहाँ पे हमें उम्मीद लग रही थी कि स्टॉर्म जो है डैश जल्दी से ब्रस्ट में यानी कि बारिश वगैरह बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे एक उम्मीद की अगर अर्थ में बात करें तो यहाँ पे आपके दो वर्ड है, एक तो है एक्सपेक्ट और दूसरा है आपका होप। यस, यहाँ एक्सपेक्ट जो है आपका वो एक वर्ब है, क्या है आपका एक वर्ब, और यहाँ पर वर्ब की ही रिक्वायरमेंट है बिकॉज सब्जेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद डिप्लेशन ऑफ फॉरन रिजर्वर्स हैज लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। तो क्या यहाँ पे फिर से एक आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन वर्क करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ पे आगे विद लगाया हुआ है और विद आपका जॉइन के साथ में, मिक्स के साथ में, मिक्सा चल सकता है, एडेड के साथ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको आना है कपलर। यस, कपल्ड। तो यहाँ पे गाइज इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइज चलते हैं आगे अगले सेंटेंस पर। द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। नेशनल एंथम जो है डैश किया जाता है सभी ऑफिशियल फंक्शंस में, तो अटर्ड, संग, विस्पर्ड या चैंटेड। तो इस संग गाया जाता है, बाकी सभी यहाँ पे जो मीनिंग है वो फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 122। द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने अपना बाहर निकाला पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए। अब डॉक्टर के पास क्या होता है गाइस, होरोस्कोप यानी कि एक ज्योतिषी वगैरह फ्यूचर वगैरह देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल होता है जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास होता है बच्चों स्टेथोस्कोप जो गले में रहता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं आला, धड़कन वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये तो टूचा सेंटेंस था, इसमें कुछ खास दम भी नहीं था। 122 में कह रहा है कि द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशंस वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस पे चलते हैं लेकर के बात को अपनी। तो यहाँ पे सिक्स आपका एक प्रपोजिशन आया हुआ है फोर। अब फोर को देखते हुए यहाँ पे मैं किस किस का लगा सकता हूँ ये देखना होगा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री साथ आपका आएगा ऑन, तो फोर भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे ऑन इसके साथ ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में कॉन्स्पिशियस, इनकम्प्रीहेंसिबल आपके ये आ ही नहीं सकते, आपका वर्ड बनता है रिमार्केबल और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आपका है 123। द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवरेन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवरेन डैश, अ सोवरेन कैपिटलिस्ट जी नहीं, रिविजनिस्ट और पॉपुलिस्ट तो आपके वैसे ही नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सोशलिस्ट हो जाएगा ओनली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एक नाउन यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसको गवर्न किया जाता है पार्टी के द्वारा और पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा। डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज, यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे, मेन्स तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे कुछ इस तरह का जिक्र उसने किया है, ये आपके कंडीशन उसने सेट कर दी। यस गाइस, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति के लिए हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो अनटिल और एक अनलेस। अनटिल लगता है हमारा समय के लिए, किसके लिए लगता है, समय के लिए, कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ, अनटिल। अब यहाँ पे अनलेस लगता है आपका कंडीशंस और शर्त के लिए जो यहाँ पे फिट बैठ रही है, जैसा कि वो कहना चाहिए रहा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। तो गाइज जिन्होंने अभी अभी चैनल पर विजिट किया है और अभी अभी चैनल पर आए हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि वो सब्सक्राइब का रेड वाला बटन दबा दें, उसको ब्लैक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि किरण बुक का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है और बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में, शायद ही किसी चैनल पर इतने अच्छे से कोई करा रहा हो। यस, बाकी आप लोग देखेगा, देख करके आपको पता चलेगा, यहाँ बहुत कम समय में हम लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और गाइज लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हमने इसका टारगेट रखा है 100+ लाइक का। ये काम आपके द्वारा ही संभव किया जा सकता है, इसको मैं अकेला नहीं कर सकता। यस गाइज चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 125 में, लास्ट ईयर
और कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज। तो गाइस हमारे लास्ट ईयर जो है कंपनी ने डैश किया था। अब क्या क्या था लास्ट ईयर कंपनी ने? प्रॉफिट, गेन, राइज या रेज। तो गाइस यहाँ पे जो राइज और रेज है पहले इनको समझो। देखिए राइज जब कोई चीज स्वयं उठ रही हो, अपने आप उठ रही हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं राइज का। जब किसी चीज को उठाया जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेज का। जैसे कि सूरज उगता है तो इसके लिए राइज क्या होगा? इसके लिए राइज। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने हाथ ऊपर कर लो, इसके लिए रेज। अब गेन और प्रॉफिट आपके दो वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर प्रॉफिट, क्योंकि एक नाउन है और नाउन की यहाँ पे आवश्यकता थी। लास्ट ईयर आवर कंट्री मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? 126 उसको देखते हैं। 126 आपका ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 31/11/2008 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यानी कि लगभग आज से 12 या 13 साल पहले ये एग्जाम कंडक्ट हुए हैं आपके, जो आपके आज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। और गाइस साथ ही साथ एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ ये जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मेरे पास पीडीएफ है एक, कुछ लोगों के पास क्योंकि किरण के जो हैं बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में हैं, 2013 तक, 2014 तक, 2012 तक, 2008 तक, ऐसे बहुत सारे 500 वर्जन किरण के मार्केट में हैं, तो अक्सर सभी बच्चों को मुझे भी मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, बच्चे कहते हैं सर इस वाली बुक से कराइए, इस वाली बुक से कराइए, मेरे पास तो ये बुक है। देखिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मैं सबकी मुरादें तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये भी कम नहीं है सेंटेंस गैस, इसके अंदर लगभग 1200 से प्लस सेंटेंस हैं। अब आप बिल्कुल ये सोचें कि मेरी बुक वाले सेंटेंस मिल जाएं, सेंटेंस वही हैं ये, कुछ एक दो साल ऐड करके और एक दो साल हटा करके ये हर बार बुक उतार देते हैं अपनी, कुछ इसी तरह से ये करते आ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये सेंटेंस मेरी बुक में है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ कि आप मुझसे इस वाले जिससे मैं करा रहा हूँ पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके 8279738238 पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। यस गाइस तो यहाँ पर मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, 100% आपका सिलेक्शन होना है, बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ लगा दें आप, मैं आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। 126 सेंटेंस कह रहा है कि द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज बीन फाउंड टू बी डिफिशियंट डैश विटामिन एंड प्रोटीन्स, यानी कि वो खाना जो अधिकतर लोग इंडिया के खाते हैं उसके अंदर कमी रहती है विटामिन और प्रोटीन्स की, डिफिशियंट के साथ में आपका फिक्स प्रपोजन चलना है इन और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए जी द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टोमक एक, तो यहाँ पे पेशेंट ने शिकायत की है उसको स्टोमक एक हो रहा है, सफरिंग के साथ फ्रोम आता है तो यहाँ पे नहीं चलेगा, एक्सपीरियंसिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कंप्लेनिंग हो सकता है और एफ्लिक्टिंग भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट कंप्लेनिंग। चलिए जी 128 अ गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्टूडेंट, तो अ गुड टीचर शुड डैश इलिक्ट जो पहला वर्ड है, प्रोवोक तो यहां पे प्रोवोक तो आपका नहीं आएगा, कमांड भी नहीं जरूरत है यहां पे, इन्फर की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही वर्ड रहता है वो है इलिक्ट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। Had he taken his degree 5 years ago, he dash got a promotion by now. यानी कि अगर उसने अपनी डिग्री 5 साल पहले ली होती तो अब तक उसका प्रमोशन हो चुका होता, ये कहना चाह रहा है। सो गाइज डोंट बी वरीड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन कंडीशनल सेंटेंसेस इन ओवर पेड कोर्स ग्रामर कंडीशनल सेंटेंसेस वेयर आई हैव टॉट यू दैट If the sentence is started from had, subject and verb plus third form, then next sentence start from would have plus third form. This is the structure of a conditional sentence. Here we find had plus third form, but we don't find here would have. So here is option number second. Would have. आप यहाँ पे would have लगा सकते हैं. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वुड हैव ही करेक्ट। 129 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश, तो सीट को लेकर के ट्रेन में जो है डैश हो रहा है, रश हो रहा है जब ट्रेन डैश हुई।
जब ट्रेन चलनी शुरू हुई, यही सिंपल सी बात कहना चाह रहा होगा वो। यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से। विल अराइव, अराइव्ड, इज अराइविंग, या फिर जो भी। यहाँ पे गाइस सेंटेंस है आपका 130। सेंटेंस के 130 में क्योंकि उसने इस्तेमाल किया है विल का, तो मैं यहाँ पर अराइव्स ही लगा सकता हूँ और कोई ऑप्शन में है नहीं लगा सकता। देखिए ये भी एक रूल की तरह ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है सेंटेंस, तो दूसरे पार्ट में बनता है आपका सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर उसने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हमें दिया और हमसे पूछा ट्रेन आपका सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे आपका अराइव लगाया। देखिए अराइव लगाऊंगा तो पास्ट चला जाएगा, यहाँ पे वुड होना चाहिए था। विल अराइव लगा नहीं सकता बिकॉज एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकते जैसा कि आपको पता है। एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये रूल है बच्चों। तो यहाँ पे विल बी और विल अराइव आपका नहीं आएगा। अराइव्ड लगाने से सेंटेंस पास्ट चला जाएगा। इज अराइविंग नहीं लगा सकता, ये भी आपका इससे बाहर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका अराइव्स, यानी कि 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट डैश। तो गाइस यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन टैग, क्या आपका ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस का सब्जेक्ट की जो वर्ब रहती है उसी वर्ब के साथ में हमें शुरू करना पड़ता है अपना क्वेश्चन टैग का पार्ट भी। जैसे कि उसने कहा, मैंने कहा आपसे आई लव इंडिया, अब मुझे दिख रहा है कि लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग लगाते हैं डू, तो यहाँ पर लगाएंगे डोंट आई। क्या लगाएंगे? डोंट आई। उसने कहा शी हेल्प द पुअर, सुनिएगा मैं लिख नहीं रहा हूँ, शी हेल्प द पुअर, तो हम लोग लगाने वाले हैं डिंट शी। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिंट शी। उसने कहा यू इंजॉयड, या फिर यू हैव विजिटेड अमेरिका, हैवंट यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैवंट यू। इसी तरह से यहाँ पे उसने ड्रॉ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिंट ही, क्योंकि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा नेगेटिव, यही रूल है। अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, इस बात ध्यान रखिए। तो यही आपका रूल है, यहाँ पे बन जाएगा आपका डिडंट ही। क्या बनेगा आपका? डिडंट ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 132 देखेगा, ही डैश वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? ही डैश वांट्स टू सक्सीड मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, हु एवर, होम, हु या हुज। अब यहाँ पे गाइज सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो है आपका हुम व्यक्तियों के लिए और एक है आपका हु व्यक्तियों के लिए, हु एवर आपका नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखें। अब ऐसे में आप लोग ये ध्यान रखें कि हुम आपका एक ऑब्जेक्ट है और हुम आपका एक सब्जेक्ट है, हुम आपका एक सब्जेक्ट है, यानी कि इसको वर्ब चाहिए उसे वर्ब नहीं चाहिए, बस ये बात ध्यान रखें। अब इस सेंटेंस में आप ये देख लीजिए क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ब है या नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे यहाँ सेंटेंस में एक वर्ब है वांट्स, चलिए इसे तो मैं ही की मान लेता हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा वर्ब ढूंढनी है यहाँ पे, क्या वर्ब है? टू सक्सीड को आप वर्ब नहीं मान सकते बिकॉज ये प्रपोजिशन के बाद है, इसका सेंटेंस में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद में इन लाइफ, ये तो खैर वर्ब वैसे भी नहीं है। हाँ मुझे एक वर्ब दिख गई, वो है मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो ये आपकी हु के लिए ही रही होगी, इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 133, इट इज़ टाइम यू डैश होम। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी याद होगा, रात मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कॉमन एरर की, यस गाइस। तो उस कॉमन एरर में मैंने आपको बहुत कुछ सेंटेंस सोल्व कराए, कल मैंने आपके लिए लगभग 50 मिनट से ऊपर का वीडियो था वो, जहाँ मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस कराए, यस गाइस। तो वहाँ पर मैंने आपको 55 सेंटेंस के आसपास कराए, उसमें एक रूल मैंने आपको बताया था इट इज़ टाइम का, इट इज़ टाइम के बाद वाला सेंटेंस जो है बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। इट इज़ टाइम यू, बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, वेंट होम, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डैश अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ही मुझे एक वर्ड चाहिए, यस गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में मुझे एक वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर देखना होगा, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत आपकी होगी जी रन से, किससे होगी? जी रन से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरुआत में जो वर्ड आया करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पोजीशन पे चार चीज़ आप लगा सकते हैं। पहला है आपका नाउन, दूसरा है आपका प्रोनाउन, तीसरा है हमारा जीरंड, और फोर्थ है हमारा इन्फिनिटिव।
क्या हमारा इन्फिनिटी। तो ये चार चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना नाउन था ना प्रोनाउन, तो मैं यहाँ पर जीरो लगाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर वॉक लगाया उसने, तो गो फॉर ए वॉक नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग, गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर गोइंग फॉर अ वॉक आपका हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइस। तो गवर्नमेंट को डैश करना चाहिए जो बढ़ रहे हैं प्राइस, उसके लिए चेक, ये बैंक वाला चेक है आपका, चेक मतलब देखना, निरीक्षण करना। उससे अगला वर्ड है सीज, जब्त करने के लिए लगता है, उससे अगला वर्ड है सीज, ये दोनों ही। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। 136 सेंटेंस से आगे की बात करूं, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज 14/11/2008 में आया हुआ। 10 सेंटेंस हैं यहाँ पे आपके लिए, देखते हैं इनको कैसे करें। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सामने आपके। कह रहा है कि व्हेन आई वॉज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर डैश, जब मैं रानी से बात कर रहा था फ़ोन पर, सडनली वी डैश, तो यहाँ पे बच्चों सडनली हंग अप यानी कि किसी को टालना, रन आउट किसी का ख़त्म हो जाना, ब्रोकन डाउन किसी का फेल हो जाना, और कट ऑफ बाधा पड़ना बीच में, कट जाना वगैरह, तो इस तरह से कनेक्शन कर जाना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द फार्मर है डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स, तो फार्मर के पास जो है डैश लैंड है और मैनी सर्वेंट्स। तो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया एंड का, अगर यहाँ पे एंड की जगह बट होता तो समझो विरोधाभास है, तब मैं यहाँ पे वेरी लिटिल का इस्तेमाल कर रहा होता। लेकिन एंड आपका सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कि उसको एडिट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, उसको एक्स्ट्रा दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड, अ लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि मैनी और सम का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, काउंटेबल के साथ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट, अगर यहाँ पर बट होता तो वेरी लिटिल लैंड। चलिए जी, अगला कह रहे हैं कि द ट्राइब्स लीव्ड कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो यहाँ पे लीव ऑन मतलब निर्भर होना, किसी चीज़ पर आश्रित होना, खाने वगैरह के लिए लगता है। लीव बाय किसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, तो लीव ऑफ और लीव विद तो आने से रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट बाय। चलिए जी आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 139। द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। तो गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो कॉमन एरर के दौरान मैंने आपको कल पढ़ाया कि जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, किससे, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज, रेदर देन, एंड नॉट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो इन शब्दों से, तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। और यहाँ पे पिछला सब्जेक्ट आपका द क्रिमिनल, द क्रिमिनल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, वॉज आर तो आने से रहा, वर आने से रहा, हैव आने से रहा, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, आंख मिच करके आपको वही लगाना होगा। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका सिंटैक्स है, किससे है ये आपका सिंटैक्स है। हालांकि ग्रामर के पेड कोर्स में मैं सिंटैक्स नाम का लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरा पेड कोर्स लिया है उन्होंने यह लेक्चर देखा होगा, जो भी क्लोज टेस्ट के ये भी लेक्चर देख रहे होंगे। लेकिन गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले सिंटैक्स नाम का स्पेशल लेक्चर मैंने अपने नोट्स से यूट्यूब पर अपलोड किया था, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट में पढ़ा होगा सिंटैक्स नाम का लेक्चर हमारा, उसके से 7-8 दिन पहले की ही बात होगी, दिवाली से पहले शायद मैंने अपलोड किया था, आप जाइए और उसको देखिए, आनंद लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा वोज, सिंटेक्स नाम का लेक्चर देखिएगा, और जिसको लेना हो पेड कोर्स ग्रामर का उसको ले सकता है, बहुत महंगा कोर्स हम लोगों ने नहीं बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत सस्ते में, ओनली 599 में कंप्लीट ग्रामर और 5 बुक्स से करवाई है हमने आपको प्रैक्टिस भी। 5 बुक्स यानी कि आपके पैरामाउंट की एक बुक है, एसपी बक्सी की बुक है, उसके बाद में आपकी क्रिस्टोफर फोनिसर की बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की बुक है, 5 बुक से मैंने आपको उसमें प्रैक्टिस भी कराई है। यस गाइस चलिए फिर आज चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर 140 पे। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, जब मैं अमेरिका पहुंचा इट डैश मॉर्निंग, यानी कि डैश हो चुकी थी मॉर्निंग। तो कैसे यहाँ पे ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंस जो आपका ये
कंडीशनल ही है, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट वुड बी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हो चुकी होगी, तो यानी कि गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब उसकी शादी हुई तो उसने जो है डैश किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अब क्या किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसको देखते हैं। पहला है टुक अप, यानी कि लेना, यानी कि इकट्ठा करना, तो ये तो आपको आने से रहा। अगला वर्ड है आपका टुक आउट, जो कि मतलब टुक आउट मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ में ले जाना उसके लिए। उसके बाद में टुक इन, किसी को परमिशन देना घर में अंदर आने के लिए। और टुक ओवर, यानी कि किसी के स्थान पर किसी को रख देना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली टुक आउट। इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, एनीथिंग हैज़ बीन डन, इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन, हैज एनीथिंग बीन डन। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगा आपका इन द लास्ट फ्यू डेज हैज एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम, तो यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट फोर्थ। वाइल पिकिंग अ रोज शी डैश हर हैंड ऑन अ थ्रोन, तो फूल तोड़ते समय उसका जो हाथ जो है थ्रोन यानी कि कांटों पर लग गया था। स्ट्रंग स्क्रैच्ड, कट या डैमेज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैच करेक्ट। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान, बच्चे ने जो है फादर्स के प्लान को अप्रूव नहीं होने दिया। यह है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक खेल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज अप्रूव के साथ में हमारी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो चलती है हमारी ऑफ, तो इसके साथ भी चलेगी आपकी ऑफ ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ यह आपका क्वेश्चन टैक्स सेंटेंस है। जैसा सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसी लिहाज से बनाना होगा आपको क्वेश्चन टैग भी। अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है बिकॉज उसने नन का इस्तेमाल किया है, यस, लेकिन उसने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया है तो आप वॉज से सेंटेंस को बनाएंगे। और फूड को देखते हैं यहाँ पे लगाना होगा इट, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉज इट, क्या हो जाएगा वॉज इट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं आगे के सेंटेंसेस पे। सेंटेंस नंबर 146 से 155 जो कि आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ है 2009 में। यस गाइस चलते हैं इसकी तरफ को आगे। और जो अभी अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको बोल दूं कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर आपके लिए किरण बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने को मिले इतने बेहतरीन अंदाज में। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी सेंटेंस को लेकर के तो आप चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दें, लेकिन वहां पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था आप वीडियो को देखेगा अपना आप ढूंढिएगा ये काम आपका है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे एक बार अनाउंस कर दिया है। वी वार्न्ड हर डैश द डेंजर, हमने उसको वार्न कर दिया है डेंजर के डैश, तो डेंजर के प्रति। तो क्या यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि वार्न के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो एट लगा सकते हैं, अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका अगेंस्ट। वी वार्न्ड हर अगेंस्ट द डेंजर, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वी लाफ्ड डैश द अफेयर, वी लाफ्ड डैश द अफेयर, तो यहाँ पे एक idiom की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे लाफ अबाउट, क्या होता है लाफ अबाउट, टू चकल या फिर टू गिगल लाउडली, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, ये सेंटेंस फिर से वही आ गया आपका सिंटैक्स के नाम पे ही, सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा एज वेल एज से, किससे कनेक्ट हुआ है हमारा एज वेल एज से। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, रेदर देन से, एंड नॉट से, तो हम लोग लगाने वाले होते हैं वहाँ पे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमारे पास दो ही हैं, एक तो ये और एक ये हैज। तो यहाँ पे द चेयरमैन डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून, आप इसे ऐसे पढ़ें तो इज टू ब्लेम या फिर हैज टू ब्लेम, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे इज टू ब्लेम लगाएं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 149 कह रहा है कि द स्ट्रीट्स आर लाइट डैश इलेक्ट्रिसिटी, द स्ट्रीट आर लाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, बी की फैमिली आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बस कमी किसकी है वो है बाय की,
सेंटेंस में आपका आ जाएगा बाय ही यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 150 सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे गाइस क्या कह रहा है। माय फ्रेंड्स फेल टू सी व्हाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज। तो गाइस यहाँ पे सॉरी माफी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे 151 सेंटेंस पढ़ लिया। 150 देखिएगा कह रहा है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स द डैश नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब पर डिपेंड है आपका, जैसे कि पहला उसने लगाया कट ऑफ। कट ऑफ मतलब इंटरप्ट करना किसी को या रोकना किसी को बात करते हुए। अगला वर्ड है आपका कट आउट, कुछ काम करने से रोकना किसी को। कट डाउन कटौती करना किसी चीज़ में, कमी करना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कट डाउन, यानी कि थर्ड ही करेक्ट। 151 सेंटेंस देखेगा क्या कह रहा है वो। माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज। राइड यानी कि सवारी करना, तो ये एक आपका idiom के जरिए इस्तेमाल हो रहा है। राइड अ हाई हॉर्स यानी कि बहुत अच्छे, या फिर बिहेव इन अ वे दैट शोज यू आर बेटर देन अदर पीपल, यानी कि अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाना, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाई। देखिए ये सेंटेंसेस, इस तरह सेंटेंस आपको कर सकते हैं परेशान, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस आया हो तो बात भी है, ग्रामर आई हो तो भी बात है। आपको यहाँ तो दिख रही ना, तो दिख रही है यहाँ पर ग्रामर और यहाँ पे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। ये था आपका idioms पे आधारित सेंटेंस। अब idioms पे आधारित सेंटेंस वही बच्चा कर सकता है जिसने idioms को पढ़ा होगा बहुत ढंग से। जिसने idioms को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है उसके लिए नामुमकिन है इन सेंटेंस को कर पाना। इसलिए गाइस आपको यहाँ पर idioms पे भी पकड़ बनानी होगी अपने साथ साथ, और साथ ही साथ आपको ग्रामर पे भी पकड़ बनानी होगी। जो सेंटेंसेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो idioms पे आधारित था इस गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में मैंने आपको idioms के आधार पर ये सेंटेंस कराया। तो idioms के लिए मैंने आपका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, MB बुक से कंप्लीट idiom है, जिसे चाहे तो आप जा करके आराम से देख सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और idioms का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर, यस गाइस idioms का मतलब कंप्लीट लेक्चर सिर्फ 99 रुपीज़ में MB बुक से 23 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 8279738238 पर, फ़ोनपे गूगल पे या अमेजन पे करके। ओके गाइस चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे के सेंटेंस पे। कह रहा है कि बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। 152 सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे 152 सेंटेंस में देखते हैं ऑप्शंस के आधार पर हम पे क्या दे रखा है। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल यानी कि एक साथ होकर अगर स्ट्रगल हम करते हैं तो वी मे अचीव सक्सेस, हम लोग सक्सेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे भले ही आपको यू दिखाई दे रहा है लेकिन जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है ये यूनाइटेड। अब इसके लिए आप लोग यहाँ पे कम से कम एन नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा अ, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। शी फियर्ड दैट शी डैश, उसे डर लग रहा है कहीं वो डैश ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के भाव को देखते हुए देखें, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पता है कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेक किया करें। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो आप चेक कर रहे हैं वो दिख रही है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या दिख रही है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में आप लोग मे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा माइट का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करना होगा माइट का, यानी किसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट। तो गाइस इसी तरह से सेंटेंसेस को आगे बढ़ते हुए करते रहे चले जाएँ, कोशिश करते रहें, आप लोगों का काम कोशिश करना है, बाकी काम तो ईश्वर कर ही रहा है। आगे सेंटेंस कह रहा है कि 154 में ही इज़ द मोस्ट जीनियस मैन आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक बहुत ही मोस्ट जीनियस मैन है जिसको मैं जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से। अब यहाँ पे न्यू सेकंड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप यहाँ पे हैव नो का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सेंटेंस में आपका आया है 4+ टाइम। सिंस या 4+ टाइम हमारा जब भी सेंटेंस में आ जाए तो ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे सेंटेंस को? परफेक्ट में। तो यहाँ सेंटेंस को परफेक्ट में बनाना जरूरी था, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 155 में कह रहा है कि द सडन चेंज, क्या कह रहा है? द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज अ सरप्राइज टू मी आई बिगेन डैश। अब गाइस यहाँ पे
उसका जो अचानक से बिहेवियर में बदलाव आया, मैं उससे आश्चर्यचकित रहा। आई बिगेन डैश टू कट अ सॉरी फिगर। देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि एडियम्स का कितना महत्व है यहाँ पर। देखिए एडियम्स आपके पाँच नंबर के डायरेक्ट तो आने ही आने हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भी आपके आने हैं। यस, यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको वो एडियम्स दे रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ से मेरे से एमबी बुक का कंप्लीट एडियम कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ 99 रुपीस में, जिसमें मैंने 23 वीडियोस में आपको कोर्स कंप्लीट कराया विद ट्रिक। अगर कोई एडियम याद कराया है तो वो ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। जैसे कि यहाँ पर पहला एडियम है टू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि शर्मिंदा होना। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब शर्मिंदा होना। गाइस अगला जो हमारे पास है एडियम्स वो है हमारा टू स्मेल अ रेड, यानी कि संदेह होना। टू टर्न अ न्यू लाइफ, यानी कि नया जीवन प्राप्त करना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि पक्ष और विपक्ष, यानी कि कभी गुस्सा होना कभी कुछ होना, इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे सडन चेंज जो उसके बिहेवियर में आया है, मैं उससे जो सरप्राइज हूँ। आई बिगेन टू स्मेल अ रेड, यानी कि इसका आंसर आपको होगा सेकंड करेक्ट। कह रहे कि द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, होटल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो आपको बनाना इसका क्वेश्चन टैग। और गाइस क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको याद रखना होता है कि सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग आपका बनता है अफर्मेटिव, इसलिए आप लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वॉज इट, क्योंकि बाकी सभी जो है ऑप्शन यहाँ नेगेटिव है और इजंट इट आ नहीं सकता क्योंकि ये आपका सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 157 देखिएगा क्या कह रहा है। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल्स ऑल्सो मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। तो ह्यूमंस की तरह जू एनिमल्स का भी जो है डेंटिस्ट होता है डैश करने के लिए उनके दांतों को। तो यहाँ पे टू फिल फील्ड फिलिंग या टू बी फील्ड, तो क्या यहाँ पे मस्ट हैव अ डेंटिस्ट टू फिल देयर टीथ, यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रहा है बाहर वो यही निकल के आ रहा है बाहर, टू फिल देयर टीथ, यानी किसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू द टू डू द वॉशिंग अप बट यू डैश इट। तो ऑप्शन है हमारे पास में क्या क्या, डिडंट हैव टू डू, हैडन टू डू, माइटंट हैव डन, मस्ट हैव डन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू द वॉशिंग अप बट यू मस्ट मस्टंट हैव डन, तो गैस तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, जो कि प्रॉपर आंसर रहेगा इसका, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही वेंट डैश द सी एलोन, तो वो सी पर गया एलोन अकेला। 158 तो क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है उसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन हमारे पास में है इन टू इन टू या फिर ऑन। तो क्या यहाँ पे वैसे तो आपको पता है कि गो की सभी फैमिली के साथ में आपका टू वर्ब जो है फिक्स है प्रपोजिशन सॉरी, तो टू यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे टू है भी प्रॉपरली, लेकिन क्या ये मीनिंग को संतुष्ट कर पा रहा है ये आपको देखना होगा। सिर्फ यहाँ पे ही वेंट टू द सी एलोन, बिल्कुल ठीक है। तो 159 का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। द डेथ ऑफ आवर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टू टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज अकम्पेन्ड बाय वॉर। तो जो डैश है हमारी सिविलाइजेशन की फ्रॉम एग्रीकल्चर सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो वार से आई है, एडजस्टमेंट माइग्रेशन रूट या मेटामॉर्फोसिस, तो कहते हैं यहाँ पे जो सेंटेंस का भाव निकल कर आ रहा है वो मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 161 से 165 आपका क्वेश्चन है, सीजल का टीयर वन में आया हुआ। 161 क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द कोड डैश कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे आगे कॉग्निजेंस आपका दिख रहा है वर्ड, उसी को देखते हुए आपको वर्ड लगाना होगा टुक मेड गेव या एलो। तो यहाँ पे आपका जो वर्ड सेंस के हिसाब से बैठ रहा है पहला ही हो जाएगा द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस। कोर्ट जब भी कुछ करती है काम को तो उसको लेने या देने के लिए हम लोग टुक का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डैश विंस दिस सिविल वॉर देयर विल बी अ लिटिल रिजोइसिंग एट द विक्ट्री। डैश विंस दिस सिविल वॉर, तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है एक वर्ब। इस वर्ब को देखते हुए मुझे शुरुआत में कोई ऐसा
रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता हो, और वो आपका है हूएवर, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है सिविल वॉर जीतने की, तो वो कोई व्यक्ति ही कर सकता है, और व्यक्ति के लिए हम हु का इस्तेमाल किया करते हैं, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, विच नॉन लिविंग के लिए ले सकता है, वट जानवर के लिए लगता है, और वेयर एवर यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ सेकंड ही करेक्ट। एज ही गोट ओल्डर हिज बिलीव इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट डैश, जैसे जैसे वो ओल्डर होता जा रहा तो उसका जो बिलीफ है इन दीज प्रिंसिपल डिड नॉट वाइदर, तो वो फीका नहीं पड़ता जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन, हर कोई जो भी इस वर्ल्ड में है वो जवाबदेही है भगवान का अपने एक्शंस के लिए, यानी कि अपने कर्मों को लेकर के, तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर हिज एक्शन सेकंड करेक्ट। 165 में कह रहा है कि योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यहाँ पे यूज्ड जो है आपकी वो है सेकंड फॉर्म, इस सेकंड फॉर्म को देखते हुए मुझे लगाना होगा डिड, लेकिन सेंटेंस चल रहा है हमारे यहाँ पे अफर्मेटिव, इस अफर्मेटिव को देखते हुए सेंटेंस बनना होगा नेगेटिव, तो इसका बन जाएगा आपका थर्ड डिडंट ही, क्या बन जाएगा आपका डिडंट ही, क्योंकि क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन टैग में यही रूल है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव रहेगा, यहाँ पे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था तो इसलिए आपका क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बना। तो गैस जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं वीडियो से हमारी, उनको मैं कह दूँ कि भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा जो कि आपका फर्ज बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो बुक को कराने का सोल्व कराने का ठेका हमने लिया है वो शायद ही किसी चैनल ने लिया, बड़े बड़े चैनल्स ये आपको नहीं करा रहे हैं, वो अपने प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं है गाइस, ध्यान दीजिएगा। मॉक टेस्ट करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर करें, वो बेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका मॉरल डाउन या अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो उनके हिसाब से सेट रहते हैं, हार्ड या इजी, आपका मॉरल अप या डाउन करने के लिए जानबूझ करके, ये आपका प्रीवियस ईयर है जो कि आपके लिए बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, और ये आपके विश्वसनीय किताबें हैं, किरण होगी, मिरर होगी, MB होगी, जिनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, मैंने आज सुबह भी MB बुक से आपके लिए पहला सेट SSC स्टर्नो का 2019 से सोल्व करवाया, इस आपके लिए अगली वीडियो है आज की, ज़रा ध्यान से बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, इसमें आप ही का फ़ायदा है बच्चों। 166 से 170 देखिएगा, ये SSC SAS एग्ज़ाम 26/6/2010 में आपका कंडक्ट हुआ हुआ है। कह रहे कि अ वाइज मैन प्रॉफिट डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स, तो एक वाइज मैन जो है वो प्रॉफिट कमाता है दूसरों की गलतियों से, थ्रू फ्रॉम विद या बाय, तो यहाँ पे 166 में आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती खुद ही करके देखे जाएँ, अगर किसी दूसरे की गलती से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ये भी बेस्ट है, आपको पता है कि ये काम उसने करके देख लिया है, ये काम कम से कम अब मुझे नहीं करना है, यस गाइस, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम करेक्ट, सेकंड करेक्ट। माय फ्रेंड हैज़ रिटन अ डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी टू द मार्स, मेरे फ्रेंड ने जो है अपनी अकाउंट ऑफ जर्नी का जो है रिटन में डैश दिया है, फैक्टिटियस, फैक्शनल या फिक्शनल या फैक्चुअल, तो यहाँ पे 167 में आपका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो जाएगा फैक्चुअल, मतलब तथ्यों पर आधारित, तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। स्पीड इज डैश इजेंस, ये एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है और इसको लेकर के कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ मैं खेल खेलता हूँ, उसका ऑफ इजेंस आपका है यहाँ पे कन्फर्म है कि ऑफ ही आएगा, इस गाइस तो हमेशा से साथ इसका ऑफ आता है इसलिए ऑफ ही यहाँ पे आएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई वॉज वॉशिंग माई फेस एज द इंसेक्ट डैश क्वाइटली इन टू द बेडरूम, मैंने अपना फेस को जो है वॉशिंग किया, क्योंकि एक इंसेक्ट जो है चुपचाप बेडरूम आ गया था, तो क्रीप्स वॉज क्रीपिंग हैज क्रैप्ड, तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर देखें तो सेंटेंस चल रहा आपका पास्ट में जो कि आपको यहाँ पे वॉज से नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्रीप्स और हैज क्रैप्ड तो आपका नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा काम आपका बीत चुका है, ये भी है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को बनाना होगा सेकंड फॉर्म में ही क्रैप्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट क्रैप्ड। चलिए जी,
170 ड्यूरिंग द रिसेंट फ्लड 2/3 ऑफ अवर सिटी डैश इन रुइंस। तो अभी रिसेंट जो फ्लड हुई थी यानी कि बाढ़ आई थी उसमें 2/3 हमारी सिटी के डैश हो गए यानी कि बर्बाद हो गया। आर वर इज या वॉज, तो क्या यहाँ पे 2/3 आपका एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉज। 171 से 175 जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके SSC CISF ASI एग्जाम में आए हुए हैं 2010 में। क्या कह रहा है उनको देखिएगा, कह रहा है कि आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको हैव, और ये आपको पता है कि हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। यस सिंपल है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है और नो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, न्यू आपकी सेकंड फॉर्म है, नोज एस या ES फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे एक ही है वो आपकी नोन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है जॉब के लिए, फॉर द जॉब, टू द जॉब, अगेंस्ट द जॉब, विद द जॉब। तो ही डिड नॉट क्वालिफाई, तो गाइस यहाँ पर क्वालिफाई के साथ में जो आपका फिक्स है वो आपका फॉर द जॉब, इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। डैश द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, तो पिछले 10 सालों से जो है हम लोग शिकार हो रहे हैं गाली गलौज के। यहाँ पे गाइस पिछले 10 सालों की बात हो रही है, यानी कि ये आपका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं। तो यहाँ पे फ्रॉम फॉर बिफोर या सिंस, बिफोर द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, या फोर, तो क्या यहाँ पे फोर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि समय के लिए हम लोग सिंस या फोर में से ही किसी एक का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल करते हैं निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो ये निश्चित समय नहीं है आपका इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर ही करेक्ट, सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड डैश, तो स्ट्राइक यानी कि एक तरह का आंदोलन, उसको कॉल डैश किया गया है, कॉल ऑफ, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल अप। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉल ऑफ यानी कि स्थगित करना, पोस्टपोन करना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉल ऑफ। ही इज़ ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एंग्री के साथ में बताया मैंने आपको पहले भी कई बार, अलग अलग तरह की प्रपोजिशन आया करती है समय के हिसाब से। तो यहाँ पे आ रही है बात बच्चों की, तो ही इज़ ऑलवेज एंग्री ऑन हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर गुस्सा होना, क्योंकि बच्चों के साथ गुस्सा होने आप नहीं लगा सकते, तो हमेशा अपने बच्चों को गुस्सा रहता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सेकंड ही करेक्ट। 176 से 180 देखिएगा जो कि SSC साउथ जोन इन्वेस्टिगेटर का माया हुआ है। द चेयरपर्सन ब्रस्ड डैश माई सजेशन, ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पे जो कि बहुत शानदार है। मैं आपको जैसे कि पहले बता ही चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब फटाफट से पढ़ लीजिए बच्चों हमारी वीडियो से, फ्रेजल वर्ब आप जाएंगे यूट्यूब पर हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा फ्रेजल वर्ब का अलग से, वहाँ जाइएगा सभी फ्रेजल वर्ब पढ़ लीजिएगा, वो फ्रेजल वर्ब सभी MBA बुक से हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब आपको दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब भी दी हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो ज़रा देखिएगा जा करके, अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रश के साथ में आपका जो फ्रेजल वर्ब है, द चेयरपर्सन ब्रश्ड आउट, ब्रश ओवर, ब्रश असाइड, किसी को साइड में रख देना यानी कि इग्नोर करना एक तरह से, तो ब्रश असाइड माई सजेशन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस गाइस, शी नेक्स्ट है, शी पोलाइटली आस्क हिम डैश, उसने उससे विनम्रता से डैश किया, टू लीव हर हैंड, उसका हाथ छोड़ दे, टू गिव अप हर हैंड, टू रिलीज हर हैंड, टू लेट हर हैंड गो। तो 177 में आपका आंसर हो जाएगा टू लीव हर हैंड, कि उसका हाथ छोड़ दे, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपके आसपास का सराउंडिंग जो है अनहाइजीनिक हो यानी कि स्वास्थ्य का ना हो, नुकसानदायक हो, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम को जो है डैश कर सकता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो हैं हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के, ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है बच्चों। और पहला ईडियम जो है आपका गिव राइज टू, जिसका मतलब होता है किस चीज़ का कारण होना, किस चीज़ के होने का, तो इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा करेक्ट। द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम, और मैं आपको ये बात पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर सिंस या फोर प्लस टाइम आपका आ रहा हो तो हेल्पिंग आपके तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस एनजी लगा कर दी है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन न्यूज़पेपर। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि हर चीज़ पर डाउट कर लेते हैं, वो जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं क्रेडुली, पॉसिबली, पॉसिबिलिटी, वेरासिटी या एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेरासिटी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नाउन की ज़रूरत थी, और वो यहाँ पे बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपका। क्रेडुलिटी का मतलब होता है कि बिलीव कर लेना किसी भी चीज़ पर, रियल और ट्रू को लेकर के, और वेरासिटी यानी कि क्वालिटी, जो सच मान लेता है हर चीज़ को उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 181 से 185 एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आया हुआ, 12/12/2010 में एग्ज़ाम कंडक्ट। ही ट्रेवल्ड ऑल डेज द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 इयर्स ओल्ड। तो जब वो 80 इयर्स ओल्ड था उसने पूरे जहां की यात्रा कर ली थी। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉर्मली आपने इसे अपनी भाषा में इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कन्फर्म ओवर। डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग द बुद्धा टीचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। डॉक्टर शर्मा ने जो है अपने स्पीच में स्ट्रेस करते हुए बुद्धा की टीचिंग को, उनकी दान दक्षिणा को बताया, बाय विद एट या इन। तो यहाँ पे जब किसी चीज़ का आप सहारा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होता है बाय का, तो इसलिए यहाँ पे बाय आंसर आएगा। विद लगता है आपका किसी पर्सन के लिए जो कि आप पे नहीं आ सकता है। एट पैरेलल कंडीशन के लिए लगा करता है जो कि यहाँ नहीं आएगा। और इन स्टेबिलिटी के लिए और किसी चीज़ के अंदर के लिए लगा करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ बाय। शिवाजी महाराज फोर्ट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो शिवाजी महाराज जो है लड़े फोर्ट अगेंस्ट टू विद या एट, तो फोर्ट अगेंस्ट यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। डोंट डिपेंड डैश अदर। तो गैस यहाँ पे ये तो फिक्स है, डिपेंड के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है जो कि ऑप्शन में है भी, तो इसलिए इजी सा है, थोड़ा सा फिक्स है बिल्कुल, सबको पता है ये बात। तो डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड मत होइए। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम्हें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला देखिएगा, ओवर लाइफ प्रोमिसिस अलॉट प्लेजर। ये फीस आपका फ्रेजर सॉरी प्रिपोजिशन बेस्ड है। आपको पता है बच्चों ये वर्ड जो है आपका ये तो अलॉट ऑफ है या फिर सीधा लॉट्स ऑफ है, इसके अलावा ये है ही नहीं आपका, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। यस, आगे उसने क्वेश्चन दिए हैं 186 से 190। सीजीएल ग्रेजुएट लेवल टीयर वन में 19/6/2011 को, अभी थोड़े दिन पहले ही सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, मेंस का भी, उसका स्किल टेस्ट भी हो, स्किल टेस्ट कह रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्टिव भी हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है, आंसर की भी मैच कर ली है लोगों ने अपनी। आप लोगों ने अगर अपनी आंसर की मैच कर ली हो और किसी का क्या स्कोर बना है तो मुझे बता सकता है बच्चों, किसी का अगर अच्छा स्कोर बन रहा है बहुत अच्छा, या जो भी बन रहा है अपना बताइए स्कोर ज़रूर, हमें भी लगे कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आप लोगों के अंदर आया हमारी वीडियो के द्वारा।
अभी आपका SSC जनों का एग्ज़ाम आ रहा है, उससे पहले बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए बच्चों। 20-22 दिन रह गए एग्ज़ाम के, तो यहाँ एक अच्छा परफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं अपने लिए। कह रहे हैं कि द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन, तो बिल्डिंग जो है सेफ नहीं है एंड मस्ट बी डैश डाउन, तो यहाँ पे उसको जो है डैश डाउन कर देना चाहिए। अगर डाउन देखते हुए सेंटेंस के अंदर ऑप्शन जो है, तो मस्ट बी, पहली बात तो ये कि बी आ गया है, सबसे पहली बात तो यही है। बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है, और थर्ड फॉर्म सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दूसरी है ही नहीं। सारी बातें खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हालांकि आपका एक फ्रेजल वर्ब बनता है पुल डाउन, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे बात ही खत्म कर दी बी ने, बस कुल मिला के बात यह है, मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। देर इज़ समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो यहाँ पे कुछ समथिंग वंडरफुल है उसके बारे में, तो अबाउट हिम। द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एज इट इज़ डैश टू द स्टोरी, तो जो सॉन्ग है इस प्ले के अंदर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो है डैश है स्टोरी का। तो इंटरवेंट जी नहीं, इनेट एग्जिस्टिंग या इंटीग्रल, तो इंटीग्रल मतलब एक ऐसा पार्ट जो ज़रूरी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रल ही वर्थ करें। शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी डैश रही, तो यहाँ पे स्पिनिस्टर कुवारी, बैचलर भी कुवारी, अनमैरिड ये सिंगल, तो गैस कुवारा और अनमैरिड में अंतर है, जस्ट समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे स्पिनिस्टर ज़्यादा बेटर रहेगा, एक ऐसी महिला जिसने कभी शादी ना की हो, स्पेशली एन ओल्डर वुमा हु इज़ नॉट लाइकली टू मैरी, और ये लगता है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये लगता है पुरुषों के लिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डो नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, तो गैस रात को वैसे भी जो है जानवर थोड़े से उग्र हो जाते हैं, जो मैंने पढ़ा है, इसलिए वो कह रहा है कि रात को घास पे मत बैठिए। सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस, कुछ एनिमल्स जो है डैश हो जाते हैं जब वो ह्यूमंस को देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में है, पहला प्रोवोक, अलर्ट, एग्रेसिव, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कुछ जानवर जो हैं एग्रेसिव हो जाते हैं देख करके इंसान को, उग्र हो जाते हैं, तो इसका सबको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 191 से 195 CGL ग्रेजुएट लेवल टीयर वन में आया हुआ है, ये आपका 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कह रहे हैं कि द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क, लेट मी टेक टाइम टेकिंग टाइम, तो क्या यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेट आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ब है, और लेट के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहती है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे आपका टेक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और इसके अलावा कोई फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं जो कि आ भी नहीं सकता, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। हालांकि आपको थर्ड ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद कभी भी टू भी नहीं आया करता, ये भी ध्यान रखें, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन इसके साथ में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आई एज्यूम डैश विद मी, तो आई एज्यूम एवरीवन एग्रीइंग दैट एवरीवन एग्रीज एवरीवन टू एग्री दैट एवरीवन टू एग्री आई एज्यूम, मैं मानता हूँ कि एवरीवन एग्रीज विद मी, तो यहाँ पे दैट से सेंटेंस कनेक्ट होगा, और एवरीवन को देखते हुए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 193 में कह रहा है कि दैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फ्यूना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट, रिजर्विंग डिस्ट्रॉइंग प्रिजर्विंग या मेंटेनिंग, तो प्रिजर्विंग यानी कि बचाना किसी चीज़ को, प्रिजर्विंग द रेन फॉरेस्ट यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश, ये एक स्ट्रक्चर है आपका कंडीशन सेंटेंस का, कि इफ़ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है
तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, कन्फर्म है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, कहीं और है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये स्ट्रक्चर सबको पता है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। वैन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, तो वैन विल यू हैंड यानी कि किसी और को सौंपना, सो वैन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। अब 196 से 200 तक भी आपका है सीजीएल का टीयर वन में आया हुआ, इसको देखते हैं। द हाउस वाइफ टेस्ट द केक्स बर्निंग एंड रेन टू स्विच ऑफ द ओवन, तो हाउस वाइफ को जो है डैस आई केक के जलने की, इसलिए वो भागी ओवन का स्विच ऑफ करने के लिए। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस के अगर भावनाओं को देखते हुए चलें आप लोग, तो आपको दिख ही गया होगा कि सेंटेंस में उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो आपको भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग श्री राम लिव्ड इन इंडिया, तो यहाँ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लीजेंड, एक ओल्ड लीजेंड के अनुसार किंग श्री राम जो हैं यानी कि राजा श्री राम जो हैं इंडिया में रहते थे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। डैस यू लीव नाउ यू विल बी लेट, तो यहाँ पे बात हो रही है शर्त की, समय की नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है। अनटिल यू लीव नाउ यू विल बी लेट, अनलेस यू लीव नाउ, जब तक तुम ऐसे नहीं जाओगे तुम्हें देर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द डैस वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स, तो बियर्स का वो इलीगली हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसे शिकारी को बोलते हैं पोचर, जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। और अगला सेंटेंस फिर से कंडीशनल पर आधारित है, इफ़ के साथ उसने हेड प्लस हेड फॉर्म लगाई है, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस हेड फॉर्म आएगा, फिक्स है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये कंडीशनल सेंटेंस से है, ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और गाइस ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि किरण बुक को हम लोग पूरा लगभग सॉल्व करवा रहे हैं आपको, तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर किसी के क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुक्स का जो है इसका बहुत सारा वेरिएशन आ चुका है मार्केट में, 13 का अलग, 14 का अलग, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत सारे वर्जन इसका आ चुके हैं, तो आप मुझसे इसी बुक का PDF ले लीजिएगा, मैं आपको उसका PDF प्रदान करा दूँगा, यस, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।